सो अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं लाइव आ गई हूं तो मुझे बता दे। होपफुली सब लोग सही होंगे। और आज आप सब लोगों के लिए मेरे पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, और आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि आज का जो लुक है वो क्या है। ठीक, ये बास्केट दें बच्चे मुझे, ये वाली। हाँ, सो आज जो है, जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और जो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, एक सेकेंड, अस्सलाम वालेकुम साई, जो इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करेगा 10 लोग विन कर सकते हैं मेरी यूज लिपस्टिक, तो नहीं कह सकते आप, मेरी कलेक्शन में से, इनमें से, इस बास्केट में से 10 विनर्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे। 10 विनर्स आज की वीडियो में हम सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और जो सबसे ज्यादा टैगिंग करेंगे। सो 10 विनर्स होंगे जो सबसे ज्यादा टैगिंग करेंगे और सबसे ज्यादा शेयरिंग करेंगे, वो जीतेंगे इस पूरी बास्केट में से कोई भी 10 चीजें जो है मैं आप लोगों को दे दूंगी। उसमें कंसीलर भी हो सकता है, लिपस्टिक भी हो सकती है और बहुत चीजें हो सकती हैं। सो लेट्स सी कि आज के विनर कौन कौन होते हैं। ये बच्चे इसी जगह पे यहां पर रखना, मैंने बार बार दिखाना। ओके, गुड। हाँ, सो आप लोग जो है वो शेयरिंग स्टार्ट कर दें। आज की लुक किस तरह की होगी जल्दी से बता दें आप लोग, क्या किस टाइप की ब्राइडल लुक देना चाह रहे हैं। वैसे तो ब्राइडल लुक है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिन से आपको मैसेज कर रही हूं जी। मुहिब रेहान बोले सर, वालेकुम सलाम साईं। अच्छा, मैं अभी जो लिप प्लमर लगा रही हूँ, लिप इंजेक्शन का है ये, टू फेस्ड के लिप इंजेक्शन का लिप प्लमर है। इससे स्किन, आपको पता है, लिप जो है वो हो जाते हैं, यू नो, किसी कैसी है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिरा असलम, अब जो लड़कियां मुझसे मेकअप की ख्वाहिशमंद होती हैं, मेकअप बल्कि कॉन्स्टेंटली मांग रही होती हैं, तो आप लोग ऐसा करें कि जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा टैगिंग करें और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि आप लोग विन कर सकें इस बास्केट में से कोई भी 10 प्रोडक्ट्स। आप एक एक प्रोडक्ट एक एक को मिलेगा। सो जो लड़कियां यहां पे हैं वो यहां पे रह सकती हैं, और जो वेले नकारा मर्द हजरात यहां पे हैं वो प्लीज अपनी बीवियों के पास जाएं, भांडे धोएं, घर में सफाई रह गई है कोई वो कर लें, वरना घर की सफाई कर लें, वरना अंदर की सफाई कर लें, वरना बाहर की सफाई कर लें, या अपने दिमाग की, दिल की, जो जो भी आप वो कर सकते हैं करें। मगर मुझे लाइव वीडियो के ऊपर से वही लड़कियां चाहिए हैं कि जो मेकअप सीखना चाहती हैं, लुक देखना चाहती हैं, और जो कि कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहती हैं। क्योंकि आज हमारा जो लाइव सेशन है वो इसी बारे में है कि हम लोग किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी में चीजों को आगे लेकर बढ़ जा सकते हैं। आपके नंबर हैं दोनों, या नहीं जी, ये मेरे प्रोडक्ट्स के नंबर हैं, बिल्कुल मैं अपने नंबर ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं डालूंगी, ना ही मेरा पर्सनल नंबर किसी के पास है। सो ये नंबर हैं उन चीजों के जो कि आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। सो ऑल द गर्ल्स वेलकम हेयर, एंड वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम सबिंदा। सो हेयर इज द गिव अवे, यू कैन विन 10 प्रोडक्ट्स इस बास्केट में से आपको मिल सकती हैं, जो कि मेरी अपनी जाती हैं। और आपको पता है मैं अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसी को अपना मेकअप नहीं देती, सारी जो हैं जी बिल्कुल यूज्ड मेकअप दूंगी, बिल्कुल यूज्ड मेकअप दूंगी, जाहिर सी बात है। और ये सारी प्रोडक्ट्स में से कोई भी 4000-5000 से कम की प्राइस की प्रोडक्ट्स नहीं है, दे आर ऑल लाइक यू नो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप सब लोगों को पता होगा महालीज ब्यूटी के ऊपर 20% ऑफ लगा हुआ है, पहली दफा मैं खैर मैंने 20% ऑफ लगाया है। सो जो लोग महालीज ब्यूटी के प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं वो इन नंबर्स के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं। इवन के जो डील 8 है उसके ऊपर भी वो भी 3000 की हुई है। सो जिन्होंने डील 8 ऑर्डर करनी है वो लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं जो यूज कर रही हूँ प्रेप एंड प्लम, आपको पता है स्किन की आजकल जो कंडीशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जाहरा, हाउ आर यू,
डन नमीरा जी, आप लोग वीडियो को शेयर करना शुरू कर दें और टैगिंग स्टार्ट कर दें ताकि आप लोग को जी सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सायमा जी? ठीक ठाक हैं? आपकी मुझे कॉल आई हुई थी तो मैं प्रिपेंट प्लम लगा रही हूँ। जुबिंदा, मैं वैसे इंस्टा के ऊपर तो हर वक्त ही होती हूँ मैं। सो प्रिपेंट प्लम से क्या होता है कि आपकी स्किन जो है, साई आई मिस यू, वैसे आपकी स्किन जो है वो फॉरन अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो है ना वो हाइड्रेट हो जाती है। तो जिन लड़कियों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है और जिन लड़कियों की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा इस तरह से रहती है, वो सबसे पहले जो है वो अपनी स्किन के ऊपर प्रेपेंट प्लम लगाएं। और इसके जो प्राइस हैं 750 है, डील के अंदर आपको ये 3000 की सारी क्रीम्स मिल जाएंगी। जिनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, जिनकी स्किन खराब हुई हुई है, जिनकी टू टोन स्किन है, जिन्होंने व्हाइटनिंग क्रीम में लगा लगा के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये डील्स हैं ताकि उनकी स्किन जो है वो बेहतर हो जाए और अच्छी हो जाए। मिस यू टू जान जी। साइया, सानू सारा पता है, साढ़े तो कुछ लुके होया नहीं जी। बेस आप लोग अभी जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको बेस पता चलती जाएगी, सारी चीजें पता चलती जाएंगी, लुक्स पता चलती जाएंगी, कैसे करनी है, क्या करनी है। कोई रीजनेबल प्राइमर बता दें जी। अरूसा, रीजनेबल प्राइमर जल्दी ही मैं मालिश का लॉन्च कर रही हूँ, बट अगर इस वक्त आपको रीजनेबल प्राइमर चाहिए है तो आई विल टेल यू, एल्फ का जो पट्टी प्राइमर है दैट्स अ वेरी गुड प्राइमर और मैं वो यूज भी कर रही हूँ, इट्स अ वेरी गुड, बट दिस इज प्रेपेंट प्लम। तो अगर आप ये वाली क्रीम यूज करती हैं तो फातिमा सिद्दीकी जो मैंने अभी आपको बताया है ना, उन्हीं नंबर्स के ऊपर आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइजेस क्या है इस ब्रांड के, ये वाला जो पूरा सेट है जिससे आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, आपकी स्किन की टू टोन सारी चीजें खराब हो जाएंगी, और एक एक ये सेट भी गिफ्ट मिलेगा जो कि सबसे ज्यादा टैगिंग करेगा और सबसे ज्यादा जो है वो वीडियो को शेयर करेगा। सो महालीज ब्यूटी का ये जो व्हाइटनिंग वाली क्रीम्स का एक सेट है वो भी आप विन कर सकते हैं। सो आज बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारी लड़कियां गिफ्ट्स के बारे में पूछ रही होती हैं, कह रही होती हैं, तो अर्न किया करें, अपनी चीजों को अर्न किया करें। अर्न करने का मतलब आपको पता होगा, आपके ब्रांड का नाम क्या है? मेरे ब्रांड का नाम है महालीज ब्यूटी। आंखें अपनी हैं नहीं पुत्र, लग रहा है आज पार्टी मेकअप हो रहा है, नहीं आज ब्राइडल मेकअप हो रहा है, आज पार्टी मेकअप नहीं हो रहा। पिंपल्स के लिए आपने सिर्फ डे टाइम के अंदर जो है वो व्हाइटनिंग एंड फ्रेकल यूज करनी है और नाइट टाइम के अंदर जो है वो नाइट एंड ब्राइट यूज करनी है। छाइयों के लिए जी, छाइयों के लिए डील 8 ऑर्डर करें। डे टाइम के अंदर प्रेपेंट प्लम और व्हाइटनिंग एंड फ्रेकल, और नाइट के अंदर पिंक एंड सॉफ्ट और पिंक एंड सॉफ्ट और नाइट एंड ब्राइट। अच्छा, मैं आपको अपनी जो व्हाइटनिंग क्रीम है वो हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। नॉर्मली आप लोग व्हाइटनिंग क्रीम जो है वो जो सारे ग्रुप्स में किया है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो अभी से अगर आपने शेयर किया है तो कोई शेयर नहीं होया, जो तक वीडियो खत्म होती है उदो तक पुत्र तुझे शेयर भी करनी है और टैगिंग किसी की नजर नहीं आ रही। हमारी जो व्हाइटनिंग एंड फ्रेकल क्रीम है वो इस तरह से है, उसका टेक्सचर वो जो एक होती है ना क्रीम जैसे स्टिकी सी होती है, जो स्किन पे जाके अजीब स्टिकी स्टिक हो जाती है, ये उस तरह की नहीं है। तो दिस इज नॉट ए स्टिकी स्टिकी क्रीम, इट्स अ वेरी नाइस, यू नो, जैसे ही आप अपनी स्किन पे लगाते हैं आपकी स्किन फॉरन जो है वो हो जाती है, जैसे ये देखें ब्राइट हो जाती है, और ये आपकी स्किन के ऊपर जाके जैसे मजा लगता है। इट जस्ट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट हुआ है। प्लीज साइमा जी जरा देखिएगा कि कौन ज्यादा ग्रुप्स में शेयरिंग करता है और कौन टैगिंग करता है। मेरी जान टैगिंग के ऊपर भी है और शेयरिंग के ऊपर भी है, तो अभी तो जो है अभी मैंने व्हाइटनिंग एंड फ्रेकल इसके नीचे ही लगा लिए ताकि जो मेरी बेस है वो प्रॉपर तरीके से बन सके। ब्यूटिफुल स्माइल, थैंक यू। दुआ अहमद, अगर आप लड़की हैं तो बहुत शुक्रिया, और अगर आप लड़के हैं तो फिटे मुंह, आई लाइक यू, मुझे बहुत पसंद है आप, थैंक यू सो मच। मिसेज जो भी आपका नाम है, अगर आप मिसेज हैं तो बहुत शुक्रिया दैट यू लाइक मी, और वरना आपको पता ही है मेरा, सो आपकी मर्जी है। माइट अच्छा अच्छा, तो इतनी जल्दी 30 to 35 ग्रुप पे शेयर भी कर ले हैं। फिर से बता देती हूँ ताकि मेकअप स्टार्ट करें, दिस इज द बास्केट जिसमें से 10 चीजें आप लोग आज विन कर सकते हैं। सारी लड़कियां मेरे से मेकअप मांग रही होती, तो मैंने सोचा कि मैं अपने मेकअप में से 10 चीजें उन लड़कियों को दूं और एक मालिश का पूरा सेट, ताकि वो जो मेहनत करे, तो चलो आज थोड़ा 1-1.5 घंटा ही मेहनत करके वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करके और वीडियो को टैगिंग ज्यादा ज्यादा करो ताकि आप लोग कुछ विन कर सके। सो चले जी, हम स्टार्ट करते हैं।
सो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं लगाती हूँ उसका नाम क्या है, परली, अपनी आईज पे लगाऊंगी। और कैसे आप लोग जो हैं वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप लोग जो हैं वो अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं कि जो आपको नेगेटिव चीजों से बाहर निकाल सकती हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑब्वियसली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अभी मुझे थोड़ी सी टैगिंग नजर आई है। हाँ, अगर आपने यूनी वगैरह जाना है ना तो आपने व्हाइटनिंग एंड फ्रेकल लगानी है। मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे वो मुझे दें पिंक वाला बॉक्स, मुझे टैग नहीं करना था तो मेरी जान गूगल करके सर्च कर लें टैग किवें कर दें, ये वाला। मैं कोशिश करती हूँ उठाने की। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या करो, हेलो हेलो की होता है, हेलो हेलो क्या होता है, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आप गूगल कर लें कि कैसे टैग करते हैं, मगर कोई लड़की यहाँ पे है तो इनको बता दे कि टैग कैसे करते हैं। वो तो सारा दिन चूड़ियां कितने करते रहते हो तो कभी टैगिंग करना भी सीख लिया करो। चूड़ियां तो फारिग हो वो तो टैगिंग करना सीखो ना। ब्लर, मेरी वीडियो तो ब्लर नहीं है साई, मेरी वीडियो ब्लर है। अच्छा, ये जो पर्ली है ये वैसे 1650 का है, मगर इस वक्त ऑफ लगा हुआ है, 20% ऑफ है। तो साइमन जी बता दें 20% ऑफ पे कितने का हो गया होगा, साई आप बता दें, कोई बता दें। मैं पर्ली यूज कर रही हूँ, ये 1650 का है, आई बेस है, और इसको आपने इस तरह अपनी आईज पे लगाना है। जो लोग स्ट्रगल कर रही हैं, जो औरतें स्ट्रगल कर रही हैं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं, क्योंकि वही चीजें बार बार आप हर रोज डिस्कस करते हैं, अपनी पेन, अपनी चीजें, अपनी प्रॉब्लम, उनमें से आप खुद बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जब आप लोग किसी चीज से खुद बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो किसी कोई ऊपर से कोई वो तो नहीं उतरना ना, कोई मसीहा तो नहीं आएगा कि जिस मसीहा ने आके जो है वो आपको उन चीजों से निकाल लें। जी, आपको ये क्रीम चाहिए है, नंबर आ रहे हैं नीचे, उस पर ऑर्डर कर दें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, उस नंबर पे ऑर्डर कर दें और आपको ये क्रीम जो है वो मिल जाएंगी। 3000 का भी ये सेट हुआ है, वैसे ये 3500 का है, मगर इस वक्त जो है वो 33000 का सेट हुआ है। सिर्फ 3 डेज के लिए ये डील्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, मतलब ये डिस्काउंट जो अवेल कर सकते हैं आप, उसके बाद ये फुल प्राइस पे हो जाएंगे। आई थिंक सो कि ये फ्राइडे तक है मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम, आपके लेंसेज लगे हुए हैं? जी बिल्कुल लगे हुए हैं। मैम आपको तो मेकअप की जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह। जी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिर मैं ना करा प्लान, प्रोग्राम कैंसिल कर दिया मेकअप का। सर मुझे महलीज के ब्रांड के बारे में कैसे चेक करें? मेरी जान के टोटो नीचे नंबर्स आ रहे हैं, वहां पे जाके आप महलीज के ब्रांड के बारे में बता दें। प्राइस इनके जो है 3000 की 4 क्रीम्स हैं, जिससे आपके पिगमेंटेशन खत्म हो जाते हैं, आपकी प्रॉपर छाइयां खत्म हो जाती हैं, टू टोन स्किन, सनबर्न, डार्क सर्कल्स, सारी चीजें आपकी इससे खत्म हो जाएंगी। और ये आपने 2 क्रीम्स डे टाइम में यूज करनी है, 2 क्रीम रात को यूज करनी है। और कोई भी आंसर नहीं आता, मेरी जान मैं आंसर दे रही हूँ। जान अगर देखें किसी का आंसर मैं नहीं दे सकती तो प्लीज आप दे दें, क्योंकि मैं साथ साथ मेकअप कर रही हूँ और इस वाले उसके ऊपर आंसर जरूर आएगा। सोनिया, अगर आप सईबे को कह दें कि जरा बता दें फोन करके कि मैं लाइव हूं, ताकि वो जो ऑर्डर वाला नंबर है उस पर सब ऑर्डर दे सकें। साई शाजिया तंजील अगर है तो प्लीज उसको वो कर ले। मेरी जान के टोटो, जो लोग पार्लर खोल के बैठे हुए ना, उनसे जरा पूछें कि पार्लर खोलना क्या होता है। पार्लर खोलना, जो लड़कियां अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती हैं हमने पार्लर खोलने दें, तो आजकल पार्लर खोलना कोई वो बड़ी बात नहीं होती है, पार्लर चलाना असल चीज होती है। असलाए को मम्मा, पार्लर को चलाना असल चीज होती है, पार्लर खोलना कोई मुश्किल नहीं है, वो तो कुछ कोई किसी तरीके से भी बंदा खोल लेता है, मगर उसकी उसकी कोई चीज निकालना, कुछ ऐसा डिफरेंट आपके अंदर जो होना चाहिए है कि आप पार्लर खोल सकें। मुझे बेस चाहिए। जी बेस कौन सी, आई बेस चाहिए? अभी जो मैंने लगाई है वो पर्ली है 1650 की, अभी तो इसके ऊपर 20% ऑफ है, नीचे जो नंबर दिए हुए हैं ना उनपे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ये लगा लिया पर्ली और अब मैं इसके ऊपर पाउडर से सेट करूंगी।
जी बच्चे मैं लाइव कर रही हूँ। हाँ मेरे लिए कुछ ले लीजिएगा आप। बताइए जी क्या पूछा आपने। अभी तक जो लोगों को नहीं पता है कि क्या गिव अवे है, मेरे से जल्दी से पूछ लें ताकि मैं गिव अवे के बारे में बता दूं। साईं आप किधर हैं? नो माय ब्रांड मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। नो इट इज फ्रॉम पाकिस्तान, सो प्राउड टू बी पाकिस्तानी फ्रॉम पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आरसीएमए का पाउडर जो है वो अपनी आई लिड्स पे लगा रही हूं क्योंकि ये जो है वो वैक्स बेस्ड नहीं है, सो ये वाला लगा रही हूं। सो जो लोग अपने पार्लर का प्लान बनाने का या खोलने का प्लान कर रहे हैं ना, वो प्लीज अपना प्लान कैंसिल कर दें। मेरी जान आयशा खान मैंने आपको बता दिया, इट्स मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल। 50 ग्रुप शेयर, नो बहुत सारी लड़कियां बहुत ज्यादा सारे ग्रुप्स में शेयर कर रही होती हैं, तो 50 ग्रुप्स आर नॉट इनफ, और ट्राई करें। अगर तो सजाद हुसैन आप लड़की हैं तो वालेकुम अस्सलाम, अगर लड़के हैं तो फिटे ही मुंह जाएं और जाके अपनी मां बहन के फोन चेक करें और अपने घर की सफाई करें और अपने भांडे धोएं, जो घर का कमरे की आप लोगों ने हालतें की होती हैं, जो आप लोगों ने अपने अंदर बाहर की हालतें की होती हैं उसके बारे में सोचें, अपनी मां बहनों के बारे में सोचें। यहाँ पे क्या करने आते हैं मेल्स, मुझे समझ नहीं आती हमारी कौम किस दिन सुधरेगी, किस दिन उनको इस चीज की गैरत का एहसास होगा कि किसी की मां बहन को मैसेज हमने नहीं करना है और किसी की मां बहन की लाइफ के ऊपर जाके हमने इस तरह की बातें नहीं करनी। किस दिन मुझे वो कौम के मर्द नजर आएंगे कि वाकई जो मर्द कहलाने के काबिल हैं, मुझे यहां लाइव में तो नजर नहीं आते। शोज योर नोज पेन, यू कैन सी माई नोज पेन। अच्छा जल्दी जल्दी बता दें, मैं ऑरेंज कलर लगाऊं। टू टोन स्किन के लिए महालीज ब्यूटी की डील 8 बाय करें, जो इस वक्त सिर्फ 3000 की, आपकी टू टोन स्किन फौरन ठीक हो जाएगी। मैं सिंपल बहुत प्यारी हूं, फिर मेकअप ना करूं कैंसिल कर दूं प्लान। जी बिल्कुल हेरा खान, आपको मैं मेकअप गिफ्ट कर दूं क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मेकअप है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऐसा करें जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप भी मेकअप मेरे से ले सकें, तो मैं आपको भी दे देती हूँ। सो जल्दी जल्दी आप इस वीडियो को शेयर करें, शेयर करके वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो पे टैग करें। थैंक यू सो मच प्रेशियस, डोंट वरी जस्ट इग्नोर है। जान मैं इग्नोर तो नहीं करूंगी, जाहिर सी बात है कौम के मर्द है, उनको जगाना भी तो हमारा फर्ज है। इट्स ओके, कौम सोई हुई है, उनको जगाना चाहिए। देखो मेरा मेकअप बच्चे गिरा, टूटा टूटा तो नहीं कुछ भी, टूटा तो नहीं, ऊपर रख दो बच्चे, आप ऊपर से भी जा सकते हो। अच्छा जो मैं अभी पैलेट यूज करी हूँ, मुझे भी चाहिए गिफ्ट की। जिन जिन लोगों को गिफ्ट चाहिए है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर से बता देती हूँ, ये बास्केट है पूरी, इसमें से 10 चीजें आप लोग जीत सकते हैं आज की वीडियो के अंदर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा टैगिंग करें। यू कैन विन, यू कैन विन। जी जान मुझे अभी आपके मैसेज मिल रहे हैं, यू कैन विन। और मालिश ब्यूटी की डील 8, ये पकड़ो, मालिश ब्यूटी की डील 8 भी आप विन कर सकते हैं। जी ब्राउन स्पॉट एंड फ्रेकल के लिए डील 8 बाय करें फौरन, और बहुत कम है हमारे पास इन स्टॉक, बहुत कम। पील ऑयस का पैलेट यूज कर रही हूं, उसका ऑरेंज कलर, ताकि जो है फटाफट ठीक हो जाए, हमारा जो कलर है ना वो मैच करना शुरू हो जाए। मैं इसके ऊपर बिल्कुल ऑरेंजिश पीच सा कलर लगा रही हूं। अगर नजर आ रहे हैं आपके मेंबर्स हूं, कोई भी पोस्ट अप्रूव नहीं करता। सारी मॉडरेटर्स किधर हैं जी, उनकी कंप्लेंट सुने, किस चीज की पोस्ट करती हैं आपके पोस्ट अप्रूव नहीं होती है। वाओ लव यू सना। ग्रुप में शेयर कर दी हूं ये वीडियो, वीडियो इज अ बिट ब्लर, मेरे यहां पे सही आ रही है, बट लेट मी चेक इफ इट इज ब्लर। तो नहीं है ब्लर। जी सनम आपने क्या पूछा है, अभी ठीक हो जाती है, अभी ठीक हो जाती है, वेट करें। लेंस कलर बेला के एमरल्ड ग्रीन,
मैं ऑरेंज कलर ही लगा रही हूँ। स्किन फेयर करने के लिए डील 8 है। ये 4 क्रीम्स हैं, दो आपने दिन में लगानी है, दो आपने रात में लगानी है। 3000 की डील है और आपकी पिगमेंटेशन स्किन फेयर करनी है, टू टोन स्किन है, ये जो सारी चीजें हैं इनके लिए ये जो है क्रीम आप यूज कर सकते हैं। कोई फेस बेस बता दें जी, मैं अभी बताती हूँ, आप लाइव वीडियो पे रहें तो वो मैं एंड पे जो है बेस लगाती हूँ। आप ठीक हैं जी, अल्लाह का बड़ा ही करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बता दें, मुझे भी मेकअप गिफ्ट कर दें। बिल्कुल, आप वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। शाजी, आप प्लीज जरा रूल्स भी बता दें कि जो गिव अवे के रूल्स हैं वो क्या हैं। जान, अगर आप रूल्स के साथ टैग कर देते ना नंबर और रूल्स भी बता देते तो बेहतर हो जाता कि जी हम लोग कितना क्या क्या चीज गिव अवे कर रहे हैं। नादिया शहजाद, मुझे अभी आपका एक मैसेज मिला है। अगर मुझे किसी का मैसेज नहीं मिल रहा तो वो वही वाला मैसेज दोबारा रिपीट के अंदर डाल दे तो मुझे मिल जाएगा। कलर कैसा लगा? सूट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं बहुत दफा आप लोगों को बता चुकी हुई हूं कि आप लोग जब बार 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 चीजों को रिपीट करते रहते हैं, बार बार उन्हीं चीजों के बारे में बात करते रहते हैं, आप लोग अपनी नेगेटिविटी से कभी नहीं निकल सकते। आप लोग कोई काम नहीं कर सकते। आप तब कोई काम कर सकते हैं जब आप अपनी इन चीजों की, अपनी ये हैबिट्स छोड़ेंगे कि जो आपकी हैबिट्स हैं। आई वॉन्ट टू बी इन गिव अवे। जेबा, आप गिव अवे के अंदर आना चाहती हैं तो ज्यादा से ज्यादा टैगिंग करें और शेयरिंग करें। यू कैन बी अ पार्ट। मेरा ड्रीम है कि मैं आपसे मिलूं, तो आप मिलें। हम लोग इंशाल्लाह जल्दी एक मीटअप रख रहे हैं, जिस जिससे मिलना है वो मिल सकता है मेरे से। व्हाइटनिंग क्रीम की वैसे तो प्राइस 750 है, जो नाइट एंड ब्राइट है उसकी 1250 है, मगर अभी डील 8 है तो इसके अंदर प्राइजेस जो है वो कम हुए हैं और डील 8 जो है वो हमारी हुई हुई है 3000 की। और ज्यादा शेयरिंग नहीं हो रही है? क्यों, और ज्यादा शेयरिंग क्यों नहीं हो रही पुत्र? ताड़े को मोबाइल से बह के भी काम नहीं हो रहा उनका, है ना। मैं अभी शो कर देती हूँ, मैं अभी अभी थोड़ी देर में दोबारा से क्रीम शो कर देती हूँ, वेट करें। अच्छा, कोई हाय मैम, तो मैंने बता दिया ना, नीचे नंबर आ गया है, उसके नंबर के ऊपर मैसेज करके आप लोग क्रीम्स ऑर्डर कर सकते हैं। सलाम, प्लीज टेल अबाउट ओपन पोर्स एंड फ्रेश स्किन। हाँ जी, ओपन पोर के लिए आप प्रिपेंट प्लम यूज करें, इट्स वेरी वेरी गुड। और अगर आप इसके साथ व्हाइटनिंग एंड फ्रेकल भी यूज करेंगे तो इट्स वेरी वेरी गुड। मेकअप के लिए देखें, डिपेंड करता है, कुछ लोग येलो लाइट में करते हैं, मैं वैसे येलो लाइट में करती हूँ, मगर बहुत सारे लोग व्हाइट लाइट में भी कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं इसमें एक डार्क ब्राउन कलर डालूं या इतना कलर काफी है? ब्राउन डालूं ना? हाउ टू ऑर्डर जी, जिसकी स्किन टू टोन है वो डीलेट ऑर्डर कर दे। वो आपको बता देंगे कि उसको यूज कैसे करना है। इन नंबर्स पे जब आप कॉल करेंगे ना तो वो आपको बता देंगे कि इसको कैसे ऑर्डर करना है। को फॉलो किया था, आपके लिए एक वीडियो बना दूं? मेरी जान दे टूटे, मैं तो अपनी वीडियो बनाने तो रह गई हूं, नहीं टाइम होता। हर एज या क्रीम यूज कर सकती हैं जी, हर एज में, इवन छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं। स्किन के अंदर वो स्क्रीन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो स्किन को आपकी खराब करे या कोई प्रॉब्लम दे, तो कोई भी एज के बच्चे, लड़कियां यूज कर सकती हैं, सो डजंट मैटर। जिन जिनको गिफ्ट चाहिए मैंने उनको बता दिया उन्होंने क्या करना है। थोड़ा सा ब्राउन शेड ले रही हूं और इसको मैं बाहर की तरफ लेकर जा रही हूं, सो थोड़ा सा यहां पे। जिनके फेस पे हेयर्स हैं उनको चाहिए है कि वो अपनी वालदा से कोई टोटके पूछें या अपनी नानियों से कोई टोटके पूछें, क्योंकि ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट को ये तो नहीं पता होता ना कि फेस के हेयर्स कैसे जो हैं वो ठीक करने हैं, जाहिरी सी बात है। और या आप किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएं कि आपको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं, इस वजह से फेस पे हेयर जो है वो हो जाते हैं। एनीथिंग फॉर स्पॉट्स, यस, डील 8 इज फॉर स्पॉट्स, व्हाइटनिंग एंड स्प्रेकल और नाइट एंड ब्राइट। खुदा से कुछ खौफ करो, पैसों के चक्कर पे
इज्जत हया सब दे दिया है आपने और आप जैसे लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। एक सेकेंड कितने की है ये, जरा मैंने जवाब दे दो। टुक मी लॉट ऑफ एफर्ट टू गेट माई ऑर्डर। विच टीम? हमारे ऑर्डर तो डेली जा रहे हैं। विच टीम, विच नंबर यू कॉल एंड यू डिडंट गेट द ऑर्डर? इट्स नॉट इवन पॉसिबल। हमारे तो डेली ऑर्डर जाते हैं मेरी जान, आप कौन सी टीम की बात कर रहे हैं? क्या करूं हुज़ैमा? एक सेकेंड, एक्नी फेस है, प्लीज कुछ कर रहे हैं, डी लेट ऑर्डर करें। आंसर माई क्वेश्चन, क्योर्ड हनी, हम ये क्रीम यूज करना छोड़ दिए हैं। एक बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। जी अपनी माँ से जाके पूछें फरहान वर्क, आपको बहुत अच्छा सा जवाब मिलेगा। डजेंट मैटर, बहन से पूछ लें, हो सकता है आपकी बेटी हो तो यू नो यू कैन आस्क। From them, जी मैं अभी बता रही हूँ, एक सेकेंड मैं पहले क्रीम्स का बता दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और मैं बाकी मेकअप फिर कंप्लीट करती हूँ। वेट करें एक सेकेंड। ओके, सो ये चार क्रीम्स हैं महलीज ब्यूटी की। अच्छा जी, सबसे पहली क्रीम है प्रेप एंड प्लम, ठीक है। सो प्रेप एंड प्लम आपने सबसे पहले लगानी है, जैसे कि मैंने लगाई है। उसके बाद आपने लगानी है डे टाइम के अंदर व्हाइटनिंग एंड फ्रेकल, जो टू टोन स्किन के लिए और इन साइज स्किन के लिए यूज होती है। ये हो गई पहली क्रीम, ये हो गई सेकेंड क्रीम। रात के वक्त आपने लगानी है पिंक एंड सॉफ्ट, और उसके साथ आपने लगानी है नाइट एंड ब्राइट। ये पूरा सेट इस वक्त जो है वो 3000 का है, और इसके बाद सैटरडे वाले दिन से ये डील खत्म हो रही है। इस वक्त ये तीनों चारों क्रीम्स आपको 3000 की मिलेंगी। इससे अपनी एक्नी, डार्क सर्कल, हाइपर पिगमेंटेशन सारे खत्म हो जाते हैं। सो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल होगा तो मैं मेकअप कंप्लीट करके दस रही हूँ, मेरे मेकअप करने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबा जावेद, आपको इशू है जलसी की दुआ, और दुआ भी रहने दो इशू मेरी जान की टोटो, मुझे इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए जब आप लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो रास्ते के अंदर आपको पता है वो कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, लोग नहीं कुछ जानवर, तो उनके साथ आप भी ऐसे से करना नहीं शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो आग लाइफ के अंदर अपना खानदान, अपना आप खुद दिखा रहे होते हैं। वो आपको ये बता रहे होते हैं कि हम कौन से खानदान से बिलोंग करते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम क्या लोग हैं, हम लोग क्या, किस तरह की हमारी, हमारा ब्रॉटअप है। सो ये चीजें आप लोगों को खुश होना चाहिए कि लोग अपना आप खुद दिखा रहे हैं। इसमें कोई परेशान होने की, ऐसी चीजों को नेगेटिव कमेंट्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो अपना आप दिखा रहे हैं। आप जो करें वो आपका काम है, आपका शौक है। जी सैटरडे के बाद 3500, जो आप करें वो आपका शौक है, जो वो करें वो अपना खुद फैमिली बैकग्राउंड दिखा रहे हैं। सो यू नो मेरे जैसी स्किन करनी है तो आपको फिर प्रॉपर तरीके से जो है वो क्रीम्स को यूज करना पड़ेगा, तो फिर आपकी स्किन जो है मेरे से भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मेरी फुल पिगमेंट वाली स्किन नजर आ रहे होंगे पिगमेंट्स आपको। हुडेड आईज के ऊपर ये वाला मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, रियली में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब मैं लगा रही हूं एक गोल्डन शेड माली ब्यूटी का ही, तो नजर आ रहा होगा। सो दिस इज इरिटेटेड, यू कैन सी मैक इज गुड, प्लीज मुझे बता दें। मैंने बता दिया है कि आप जो है वो महलीज ब्यूटी का ऑर्डर कर दें, डील 8, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी। सो मैं अभी यूज करी हूं इरिटेटेड महलीज ब्यूटी का आई शेडो है, और इस पे भी 20% ऑफ है, और इसमें आई थिंक कितने कलर है, सिर्फ 17 या 18 कलर है, एंड यू कैन सी इट्स अ ब्यूटिफुल कलर।
अच्छा चलें जी हम लोग उस तरफ आते हैं कि कौन लोग हैं। अच्छा फिर से गिफ्ट के बारे में जी दिखाएं हम गिव अवे फिर से दिखा दें। बच्चे आप जरा एक सेकंड लेके खड़े हो जाओगे पीछे, थैंक यू। देखो आप उसमें नजर आओ पीछे बास्केट, हाँ ये बास्केट है, थोड़ा सा बास्केट को ऐसे करो बस गिराना ना। सो ये जो है बास्केट है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से आप 10 प्रोडक्ट्स जीत सकते हैं, 10 प्रोडक्ट्स जीत सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करने से, ज्यादा से ज्यादा टैगिंग करने से। सो दिस इज द थिंग, यू कैन सी योर सेल्फ, आपने ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करनी है और टैगिंग करनी है और आप 10 चीजें इसमें से जीत सकते हैं। सो साइमा जी भी देख रही हैं, साइम भी देख रहे हैं, जो जीतेगा हमें पता चल जाएगा। और ये बास्केट है और उसके साथ मालीज ब्यूटी की जो व्हाइटनिंग की एक डील है वो भी आप जीत सकते हैं। गिफ्ट किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, मेहनत करें और अर्न करें, कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है। आपको जिंदगी में हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फोन के ऊपर अगर आप थोड़ी देर मेहनत कर भी लेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, पूरा दिन वेलियां मार दे और थोड़ी देर फोन दे उत्ते बह के मेहनत कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो शाबाश शाबाश हो जाओ शुरू, जल्दी जल्दी शाबाश, गुड 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 गर्ल्स। चलें जी हम चलते हैं आगे। बच्चे वापस रखते मेरा पुत्र जेसिका, जेसिका ही है ना तुम्हारा नाम, मैं मुझे हमेशा लगता है इसका नाम है सेनोरिटा। आप कैसी हैं? अल्लाह का करा। नो वी डोंट नीड एनी लिक्विड, आपको नजर आ रहा है मैंने कोई लिक्विड लगाया है? वी डोंट नीड एनी लिक्विड फॉर दिस शेड, सी मैंने इसको बगैर लिक्विड के ही लगाया है और अभी मैं इसको और ज्यादा बेहतर थोड़ा ऊपर लेके जा रही हूं ताकि इसकी और मैं बगैर कोई लिक्विड लगाए बगैर लगा रही हूं। और ये इतना को ये प्यारा लगता है और इसमें 16 शेड्स है, मैं सारे शेड्स का कोशिश करती हूँ थोड़े स्वॉचेस कर दूं। ये देखें मुझे इस तरह के जरा शेड्स देना सारे? हाँ बस 5-6 दे दो सबसे प्यारे सारे बाल, और पिंक वाली एंड पेपेंट प्लम इंस्टेड फुल डील। यस यू कैन ऑर्डर पिंक वाली एंड पेपेंट प्लम, बट व्हाई डू यू वांट टू ऑर्डर पिंक वाली एंड पेपेंट प्लम, जस्ट बाय द होल डील। ऑब्वियस गोइंग के लिए भी कोई बीबी क्रीम बता दें, बीबी क्रीम बहुत जल्दी मालिश की वापस लॉन्च हो रही है। सो आप लोग अभी तो 20% डिस्काउंट को अवेल करें और बीबी क्रीम के बारे में छोड़ दें। बच्चे मैं लाइव कर रही हूँ हुकम, सो दीज आर द शेड्स, इसके ये वाले सारे शेड्स हैं। मैं आपको फिर भी एक आध जो है वो दिखा देती हूँ, इसके इतनी ज्यादा पिगमेंट है जी मेरी जान, कॉल कैसे करनी है मुझे, अभी तो मैं लाइव कर रही हूं सी। और एक इसका बहुत प्यारा शेड है ये वाला, दिस इज सैड, ये रख दो। साइमा जी देख रही हैं, जी व्हाइटनिंग के लिए मैंने बता दिया है डिलेट। हाँ जी रख, हाँ सॉरी रख। अब मैं क्या कर रही हूँ, हमारा एक फिक्सर स्प्रे भी है उसके साथ भी मैं इस कलर को, अब अगर मैं फिक्सर स्प्रे के साथ इसको लगाऊंगी तो आप इसका कलर देखिएगा कि कितना प्यारा लगेगा। ये फिक्सर स्प्रे मालिश ब्यूटी का है 1500 का, मगर इस वक्त इस पे ऑफ लगा हुआ है तो आप देख लें कि 20% ऑफ पे कितने का हो जाएगा। क्या मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है? साइमा जी आप देखती रहें, ओह माय गॉड सो पिगमेंटेड, वाओ इट्स जस्ट लाइक अ फॉयल, फॉयल से भी ज्यादा मजे का लग रहा है। सी बेटा आपने कुछ खाना है तो आप खा लो, जैसे का चेक करो सारा मेकअप करने में कितना वक्त लगता है। वही जान मेरा जो दिल करता है उन्ना टाइम में लगा लेनी है, क्योंकि इंजॉय कर रही हूँ उसके साथ साथ मेकअप के, तो इस वजह से जब ज्यादा टाइम दिल चाहता है ज्यादा टाइम लगा लेती हूँ, नहीं दिल चाहता तो थोड़े टाइम में ही कर लेती हूँ। सिर्फ मुझे वेलवेट शेड लेना है, ये वेलवेट शेड जी हैं सारे,
आप बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स अ ब्यूटिफुल शेड नाउ, और इसके साथ ये और ज्यादा मजे का लग रहा है। एक सेकेंड, असल में ये लोग शीशा देख रही होती है ना, तो फिर ये इस तरह की वीडियोस वो कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। जी जी, यही सेम कलर है। जब आप इसको फॉइल के साथ, जब आप इसको उसके साथ लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसके साथ, तो ये बिल्कुल इस तरह का कलर आता है। इट्स द सेम शेड। जब उसके साथ अब मैं खाली लगाऊंगी तो इसका शेड बिल्कुल ये देखें डिफरेंट आएगा थोड़ा सा ये, और जब मैं उसके साथ लगाऊंगी तो डिफरेंट आएगा। फॉर एक्नी पर्पज विच क्रीम आई यूज, जी फॉर एक्नी पर्पज आप जो है नाइट एंड ब्राइट लगाएं, व्हाइटिंग एंड फ्रेकल। लव यू मम्मा, बेस्ट मम्मा एवर 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 एवर। आप बहुत बहुत प्यारी हैं, थैंक यू। अच्छा जी, जल्दी जल्दी से सवाल पूछें। जो लड़कियां जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ अर्न करना चाहती हैं, वो भी बताएं। और जो लड़कियां पूरी दिन जिंदगी भर उन्हीं पुरानी बातों को लेके पूरी जिंदगी ऐसे गुजारना चाहती हैं, वो भी बताएं। बादशाह सलामत, ये क्या है? जैसे ही जिस तरह आप अपनी वालदा सलामत को देखते हैं, उसी तरह से आप अपनी यहां पे भी आके उन्हीं लोगों को देखते हैं। वो सारे चीजें जो आंखें नाक कान आपकी वालदा आपकी बहनों को अल्लाह ताला ने दिए हैं, वही हम सब औरतों को भी दिए हैं। सो यू नो, जो भी चीजें आप लोग कर रहे होते हैं वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी को और आपकी अपनी जिंदगी के बारे में बताती हैं कि आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से किस खानदान से बिलोंग करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के लोग आते हैं और आकर जो है वो खुद अपना आप जो है वो बताते हैं। व्हाट यू वांट टू ऑर्डर, व्हाइटनिंग क्रीम की प्राइस इज 750, डील की प्राइस इज 3000 इस वक्त। वैसे जो है इट्स 3500, बट इस वक्त जो है वो उसकी प्राइस 3000 हुई हुई है फॉर 3 डेज। उसके बाद जो है वो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। जीनिया खान, एक विन जीनिया खान ने कर लिया हुआ और एक विनर सईदा मुस्कान भी हैं, मगर अभी ये एक एक विनर हुआ है। अभी हमारे पास 11 विनर्स हैं, 11 विनर्स हैं हमारे पास, अभी सिर्फ 2 विनर्स हुए हैं। साइमन जी जरा मुझे बताएंगे कितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरे यहां ऊपर जो है वो उसके ऊपर नजर नहीं आ रहा है। ये वाला मेकअप इस मेकअप पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला मेकअप इस मेकअप पे अच्छा। अभी मैं जब मेकअप कर लूंगी तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, सो डोंट वरी, अभी थोड़ा सा स्टे विद मी। हौसला कहीं नहीं है, हैं हैं बाजी, सोनिया बाजी हौसला कहीं नहीं है। अच्छा, ये काफी देर से 1.2 ही आ रहा है, आगे नहीं जा रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है। हल्का सा ग्लिटर लगा रही हूं। मालीज ब्यूटी के जो ग्लिटर्स हैं उस पर भी 20% ऑफ है, हल्का सा बस जरा सा। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू। मैंने भी बहुत टैगिंग की है, शेयरिंग भी की है। हाय 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 हाय, हैव यू सीन माय टैगिंग? रानिया खान, इधर मच्छर है, अभी मैं गाती हूँ उस पर। रानिया खान, मैं हर दफा आपको गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ, एंड में हम देखेंगे कि आपसे भी ज्यादा अगर आज किसी ने कोई एफर्ट की हुई है। इतने मच्छर एकदम से, हाँ वही मैं बता रही हूँ, काफी देर से 1.2 है तो मुझे लग रहा था कि शायद ये ऊपर नीचे हो गए होंगे। सो अगेन मैं बता दू, दिस इज द बास्केट यू कैन विन। इसमें से 10 चीजें आप जीत सकते हैं, जिसमें से 2 विनर मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हैं। 10 लोग जीतेंगे, 11 लोग जीतेंगे, एक 10 चीजें ये और एक क्रीम का सेट। जो 2 लोग अभी जीते हैं वो दोनों लोग, सायमा जी देख लें, मैंने नाम बता दिए, वो 2 लोगों ने अभी सिर्फ इस बास्केट में से चीजें जीती हैं, क्रीम का सेट अभी तक किसी ने नहीं जीता। अब हम अपने असल चीज के ऊपर आते हैं जो इस लुक के साथ जाएगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है आज का हमारा लाइनर।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस लुक के साथ जो जाएगा वो लाइनर होगा, और लाइनर आप लोगों ने किस तरह से लगाना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के आपने लाइनर कैसे लगाना है। आपको मच्छर नजर आ रहे हैं यहाँ ये सारे, उन्हें प्लीज कह दें कि जरा सामने से एक स्प्रे ला दें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद लाइनर। मुझे कोई छोटा मिरर चाहिए है ताकि मैं लाइनर ला लूं। कुड़ियो सिस शेयरिंग डन। कुड़ियो मैनू पहले मेकअप ते कर लेन दियो। थैंक यू। अभी लुक कंप्लीट होगी ना फिर आप लोग देखिएगा कैसी है। डियर मुझे क्रीम चाहिए है। जी मेरी जान, जिन्हों कुड़िया नु क्रीमा चाहिए ना उन्होंने मिल जाएगी। कि जा रही है क्रीमा, इधर ही हैं, आप लोग ऑर्डर कर दें, नीचे नंबर्स आ रहे हैं उनके ऊपर। लव यू साई, थैंक यू। सो अभी लाइनर मैंने यहां तक लगा लिया है, ये आपको नजर आ रहा है। इस साइड पे भी मैं यहां तक पहले लाइनर लगा लूं। जब आप अपनी लाइन के साथ साथ लाइनर लगाते जाते हैं तो लाइनर खराब नहीं होता। आप मुझे जी वबिश एड माय नेम आयशा जी, मेरी जान हमें अभी पता चल जाएगा, फिल्टर के बिना भी मेकअप करेंगी है ना। आप आ जाएं और आपके साथ कर लेती हूँ फिल्टर के बिना मेकअप। मेरा मेरी जान कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा लगा हुआ है फिल्टर। जी ये काम आप देख लें कि आपने बिल्कुल इसके साथ साथ रहना है। ये देखें इस तरह। जी लोगों ने 100 से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर किया। अगर आपने अस्सलाम वालेकुम ऐश जी, कैसी हैं आप। जबिंदा 1.4 आ रहा है मेरे यहां पे, अभी तक जो है वो 1.2 ही आ रहा है। अब यहां से लाइनर देखिए, कह दिए अब थकी हुई है। ये देखें ये अस्सलाम वालेकुम दुर्योधन, हाउ आर यू। सो यू कैन सी द लाइनर। ही सेड आपकी स्किन अगर सेंसिटिव हो तो फिर आप देख लें पहले। नहीं, सेंसिटिव स्किन का कोई मसला नहीं होता है। ज़ाहिर है ओवर सेंसिटिव स्किन के लिए तो हम लोग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकते, बट सेंसिटिव स्किन अगर नॉर्मल सेंसिटिव है तो यू कैन यूज गुड प्रेप एंड प्लम और आप यूज कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस टू सी यू, सेम हियर। अच्छा जी, अब मैं यहां पे अब जब आपने अंदर वाली लाइन पे लगा लिया है तो फिर आप इसको इधर वाली लाइन पे लगा, क्योंकि हमेशा दोनों आईज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। ग्रुप्स मेरी जान, जिन्होंने 100 से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर किया आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। सो यू नो यू हैव टू, आपने अकेले नक्शे आते हैं अच्छे देने, मेकअप के बिना भी इतनी खूबसूरत लगती है। थैंक यू सो मच दुर्योधन। रोजी जी शाजिया, मेरे अभी भी वही चल रहा है 1.2।
इट्स ओके। बस मुझे लाइनें लगाने हैं, फिर मैं आ रही हूं आप लोगों के पास। माशाल्लाह से मुझे भी विन करना है। जिन लोगों ने विन करना है जल्दी से टैगिंग स्टार्ट कर दें और शेयरिंग स्टार्ट कर दें, दे कैन विन। 11 गिफ्ट से अभी सिर्फ 2 लोगों ने विन किया है। थोड़ा सा मैं यहां पे टच दे रही हूं। बाजी आप अच्छा मेकअप करती हैं, शुक्रिया बाजी। थैंक यू। और मालीज ब्यूटी पे कभी मैंने 20% ऑफ नहीं लगाया। अगर लग ही गया है ये लाइनर लगाना बता दें। अल्लाह होने तो ताटे सामने ही लगाया है लाइनर ब्रांड जो है, मैं इस वक्त इंग्लॉट का लगा रही हूँ। और आईब्रोज पे मैंने क्या लगाया हुआ है लाइक, मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरे आईब्रोज में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मगर मुझे आ रहा है और मैं आप लोगों को बहुत जल्दी ही इसका एक सरप्राइज दूंगी। सो हेयर इज माय लाइनर। तो ज्वाइन करने का दिल चाह रहा है, आज हो जुबिंदा ज्वाइन कर लो। और जो मेरी सारी पुरानी जानूज हैं, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। बंदा दिल का अमीर होना चाहिए पुत्र, वरना बैंक च पे पैसे दे बड़ी बड़ी दुनिया दे कोल हैं। मैंने 30+ शेयरिंग की है। इधर से लाइनर लंबा क्यों नहीं हो रहा? बड़ी मैंने कोशिश की कि इधर से मेरा लाइनर लंबा हो जाए, मगर लाइनर कह रहा है कि मैंने इधर से लंबा ही नहीं होना। वेट करें, मेरे इर्द गिर्द मच्छर देखे जो भूम भूम कर रहे हैं। हाँ, व्हाट्सएप नंबर प्लीज। जी आपकी जो मदर का नंबर है व्हाट्सएप नंबर, वही मेरा नंबर है। जैसे ही आप अपनी मदर को मैसेज करेंगे वो मेरे तक पहुंच जाएगा। सना कराची नहीं, आपको ही हम लाहौर बुला रहे हैं, फिक्र ना करें। तुसी लाहौर आ रहे हो, पहुंच जाओ। शाबाश सर, आप टिकट दूंगी तो फिर आप आएंगी या टिकट के बगैर ही पहुंच जाएंगी सर? बल्कि मैंने तुम्हें कॉल करना था, मुझे कल ही उन्होंने कहा था कि संडे वाले दिन उनको कहें आ जाए, तो मैंने तुम्हें कॉल करनी थी। मैं अभी जैसे लाइव से फ्री होती हूँ तो फिर तुम्हें कॉल करती हूँ। सना ये वाली ज्वेलरी भी मुझे कराची से किसी ने भेजी, वैसे मैंने ऑर्डर की थी ये वाला सेट। लैशेस पे ग्लू लगा दें प्लीज। थैंक यू डियर, आप अपने मुझे मेकअप करोगी? हाय ताड़ियां छोटियां छोटियां ख्वाहिशां। मैं कुर्बान। अच्छा मजे की बात बताती हूँ, अपने 50 ग्रुप में से आप हुक्म करें मैं नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाओ मेरी जान सना। हा 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 हा, एज जी मजे की बात है कि साईं की जब तबीयत खराब हुई तो सना वॉज द पर्सन। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ कि जब आई डोंट नो इसका मुझे मैसेज आया हुआ था या इसका कोई, मुझे नहीं पता इसका मुझे मैसेज आया था, तो जब मैंने इसको बताया ना कि मैं जो हूँ इस तरह साईं की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है इस तरह से, और ना थोड़ा सा मैंने इसको बताया, सो शी वॉज द वन कि जिसने मुझे कहा कि मैं आशा जी आप मुझे अभी कहें तो मैं अगली फ्लाइट पे लाहौर आ जाती हूँ। अच्छा अब ये हर थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज करी थी, मुझे ये कह रही थी आशा जी आपने फिक्र नहीं करनी है मैं अगली फ्लाइट पे आ जाऊं। मुझे ये नहीं हो रहा था कि वो वाकई आ जाएगी या मुझे एक सिर्फ होता है ना कि आपको एक वो एहसास होता है किसी का कि हाँ जी कि एक बंदा जो है ना मुझे कह रहा है कि जी मैं आपके साथ हूं, तो इट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग। जी जो लड़कियां हैं उनको हेलो, थे जो
अंकल्स हैं उनको मैं क्या कह सकती हूँ, बेचारे फ्रस्ट्रेटेड, हमारी गैरतमंद कौम के क्या अब मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकालने लगे हैं। खुद ही अपने आप को कह लें कि आप लोग हैं ही बे, और आगे से गैरत लगा लें उसके आगे। क्या कर सकते हैं, कौम के नौजवानों को देख देख के दुख होता है। कल मैं नहर पे गई हुई थी तो सबा जो जैसा होता है उसको दूसरे इंसान वैसे ही लगते हैं, तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अब आपकी मदर ने आपको ऐसा ही पैदा किया, अब क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन लोग आपको भी तो बर्दाश्त करते हैं ना, कोई बात नहीं, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम लोग कल जो है ना वो हाँ यही मेरे निक्के निक्के चा साईं से आप बहुत बड़ी लगती हैं, थैंक यू सो मच। साई जो है ना वो छोटे से बेबी है वैसे भी। कितनी थैंक यू जवेरिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। मेनू ना मारना, बाकी हर शे मार दे वो इस साइड से, थोड़े मेरे इधर इधर थले पिछू आके ना इधर थले करे। अच्छा ऑरेंज कैरेक्टर भी फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्काउंट में है, तो आई लव हाउ यू रिप्लाई टू हेट कमेंट्स। आज डिजाइनर बहुत डिफरेंट है, अभी जब मैं पूरी रुक करूंगी ना फिर देखिएगा क्या बताऊं। मुझे आप बताएं आपने मुझे क्या कहना है, मैं कह देती हूं खुद को। आप ये सोच लें कि हमारी कौम के मर्द माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं उनको सलाम पेश करती हूं, कि वो औरतों के मेकअप ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, ठीक है। और पहले जमाने के अंदर क्या होता था, मुझे जबिंदा प्लीज स्क्रीनशॉट लेके भेज देना मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। आप ये सोचेंगे हमारे जमाने के अंदर या जो भी आजकल जो माशाल्लाह माशाल्लाह वो हैं, एक सेकेंड साई आप कितने अल्लाह पाक दिल भाई को सना सामत रखे, लव यू सना, आई कैन नेवर फॉरगेट, आई कैन नेवर फॉरगेट द डे एंड आई कैन नेवर फॉरगेट कि आपने किस तरह से मुझे उस वक्त बार बार मेरी हिम्मत बढ़ाई थी और बार बार मुझे कहा था कि आप मेरे साथ हो। नूर फाउंडेशन दे दें, अच्छा इधर पड़ी है, ठीक है। मालिश बेटी की नूर फाउंडेशन पे भी ऑफ लगा हुआ है, तो जो लड़कियां फाउंडेशन के बारे में पूछ रही थी उनको मैंने कहा मैं बता दूं। अभी मैं जो कलर यूज कर रही हूँ नूर टू यूज कर रही हूँ, और मैं यूज कर रही हूँ नूर वन, नूर वन और नूर टू, और ये जो है वो 2150 की है, और इस वक्त जो है वो 20% ऑफ लगा हुआ है, जो जल्दी जल्दी ऑर्डर कर दें। कोई गाल नहीं, पुत्र फेर की हो गया। लव यू मम्मा। नूर टू ये 2150 की और नूर वन, ये मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है, ठीक है ये दोनों रख लें इसमें डाल दें, ये वाली नूर टू है और ये वन है। अच्छा मैंने इतनी सी डाली है और आप देखिएगा मेरे पूरे फेस के ऊपर जो है ना ये परफेक्ट फिट हो जाएगी। मॉर्फी का ब्रश ले रही हूं और मैं अपनी फाउंडेशन लगा रही हूं। अभी मेरा जो कोका है ना वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा, बाद में साफ कर लेंगे। थैंक यू, जिनको मैं अच्छी लगती हूं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जिनको मैं नहीं अच्छी लगती उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिनको मैं नहीं अच्छी लगती उनकी वजह से मुझे इतनी किक मिलती है। और जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी को नहीं अच्छी लगूं तो मेरी वीडियो क्यों देख रहा होगा, मगर ऑब्वियसली कि लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है ना वो इतने टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना।
मैंने लगाया था टू फेस्ड का लिप प्लमर। अच्छा सना, फिर आप संडे को मेरी जान आ जाओ, संडे को पहुंच आए आप, मेरी बात हो गई थी, मैंने आपको बताया था ना, वो मेरी उनसे बात हो गई थी, आप फिर संडे को आ जाए। अल्लाह बार के अगर वो देखिए आपको, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। अब मैं अपना जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर को, किधर गया मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, जो जैसा होता है उसको वैसे ही अगले लगते हैं। साई मेरी जान, आप ब्लॉक भी कर रहे हैं मुझे बता दें, ये मैं वो बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं तो मैं इतने ज्यादा लोगों को ब्लॉक नहीं कर सकती। अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूं, 2150 का है मगर इस वक्त 1750 का हुआ हुआ है फाउंडेशन, नूर फाउंडेशन। मैंने 1 और 2 दोनों को मिक्स करके लगाया है, एंड यू कैन सी ये कैसा लग रहा है। अब मैं लैशेस लगा रही हूं, ये जरा फोन सुन लें, इमान बाजी किया है हमें जाके बता दे, यहां से ऊपर कर लें, मैं लाइव कर रही हूं। यू कैन सी, अच्छा लैशेज के बाद जो लुक है ना वो एकदम से चेंज हो जाती है। कौन सी फाउंडेशन लगाई है, हाँ जी मेकअप करके सोती हूँ, अगर ख्वाब में हस्बैंड मिलने आ गए तो एटलीस्ट मेकअप तो किया है। I like watching your live, full of positivity, mashallah. Thank you. So, जो लड़कियां जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, सबसे पहले तो उनको गॉसिप से निकलना पड़ेगा। जब तक आप लोग गॉसिप से बाहर नहीं निकलेंगे आपकी जिंदगी कभी भी तब्दील या चेंज नहीं हो सकती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कौन सी लैशेस हैं, इतनी आसानी से लग गई हैं, मैंने ऑलरेडी ग्लू लगा ली हुई थी। सना ऐसे लोगों को कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर जस्ट अटेंशन सीकर। एना नो ओ लोग होंगे जेडे पूरा दिन गाला खाते हैं, बिस्ती खराते हैं पूरा दिन, इन्होंने बेचारे कोई मुंह नहीं लाता, फिर वो आ जाने इनके जी कि तो कोई अटेंशन थोड़ी जी लग जाए। ऐसे लोगों के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों पे बेचारों पे कर्ज खाना चाहिए, बहुत बिस्ती होती है इनकी पूरा दिन घर में। वैसे मैंने मालिश का व्हाइट लाइनर लगाना था मैंने, मगर नेक्स्ट की पेंसिल लगा ली। ग्लू कौन सी लगाई है, बाजी वेट करें थोड़ा सा वेट करें। ग्लू मैंने लगाई है उसकी क्या कहते हैं, कौन से वाले की ग्लू मैंने लगाई है, हाँ जी स्वीट टच की। मेकअप करके सोती हैं सना तुम, लव यू मम्मा। हूं लड़ाइयां कर लो तुसी पहले सारियां, काम कोई ना करना। फातिमा जो लोग विन कर रहे हैं, जो लोग जीत रहे हैं, देख लें वो कौन लोग हैं। मालिश ब्यूटी के कंसीलर पे भी ऑफ है 20% फॉर 3 डेज और इट इज द बेस्ट कंसीलर। और ये ऐसे थोड़े से पीसेस रह गए, इट्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि हो ही क्या हुआ आउट ऑफ स्टॉक। तो एक लाना था, और यहाँ पे क्या चल रहा है साइंस, जरा प्लीज देखें। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अभी जो साइबर क्राइम का नया रूल निकला है उसके अंदर अगर आप इस तरह के कमेंट्स करें और आपके कोई वो कमेंट्स रिपोर्ट कर दे
तो वो लोग आपकी आईडी तक पहुंच जाते हैं, आपकी असल आईडी तक पहुंच जाते हैं, और आप जिस आईडी से आपने डिफरेंट आईडीज बनाई हुई हैं वो उस तक भी पहुंच जाते हैं, और फिर उसमें आपके घर का एड्रेस भी होता है। तो आप लोग ये सोच लिया करें कि जब आप डिफरेंट आईडीज बना बना के लोगों को कमेंट कर रहे होते हैं, तो अब ये नया रूल जो है वो लॉ पास हो चुका हुआ है, क्योंकि आप लोगों को फुर्सत नहीं मिलती ना वो नेगेटिविटी से निकलने की। साइमा जी मुझे ना एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अभी भी आप लोग विन कर सकते हैं, मेकअप वैसे तो कंप्लीट होने वाला है मगर अभी भी आप विन कर सकते हैं। लैशेस कितनी मजे की लग रही हैं। कंसीलर 1450 का है बट आफ्टर 20% ऑफ। शाजिया जरा बताना कितने का हो जाएगा। मगर ये सिर्फ 3 डेज के लिए ऑफर है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद फुल प्राइजेस पे है। महात की वहां से कॉल आ रही है, मैं उठा नहीं सकती। महात को कहें कि उनको कॉल कर दें, फोन ले गई थी यहां पे, फोन पड़ा था। महात को कहें कि अपनी बुक्स वालों को कॉल कर लें, मुझे कॉल आ रही है उनकी। उन्हें कि कॉल करके बता दें मेरे इस वाले नंबर पे कॉल ना करें। थैंक यू साई। सेकंड वाइफ के पास है? नहीं, साई फर्स्ट वाइफ के पास है, सेकंड के पास नहीं है। माई फेवरेट मॉइस्चराइजर मालीज ब्यूटी का प्रेपेंट प्लम। और मैं फिर से बता दूं, ये वाली डील भी आप जीत सकते हैं। ये 4 क्रीम्स हैं जिन लोगों की हाइपर पिगमेंटेशन है, जिनकी स्किन खराब हुई हुई है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है। आयशा जी मेरी ब्रांड की ज्वेलरी भी बता दें गिफ्ट में। सना मेरी जान आप बता दो आप क्या गिफ्ट देना चाहती हो। जी सना एफ रहमान की भी ज्वेलरी हम गिफ्ट में दे रहे हैं। और सना आई थिंक वो वाली जो एक ब्रेसलेट है ना, ये वाली एक ब्रेसलेट, ये वाली गोल्ड में ब्रेसलेट जो है सना की, ये आज हम गिफ्ट में दे रहे हैं। और फिर आज हमारे 12 गिफ्ट हो जाएंगे। और साइमा जी सारे गिफ्ट आपने डिसाइड करने, एंड में वीडियो तुसी वेख के सारे सारे दी जिहड़ी ना लोगों को मैसेज करके बता देने कौन कौन जीता है। वीडियो एंड होने वाली है 10-15 मिनट के अंदर अंदर, तो जो जो जीता है साइमा जी फटाफट बताती जाए ताकि मैं उनके नाम ले दूं। 2 नाम मैंने आपको बताए थे, मुझे बता दें, मैं अनाउंस कर दूं। अब 12 लोग हो गए हैं तो 12 गिफ्ट बनते हैं, तो आप देख लें। कोई बात नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ के मुतालिक इनको जानने दे, क्योंकि इन्होंने मेरे पर्सनल लाइफ के बारे जवाब देने। यार मुझे इतना मजा आता है ना जब मैं इन लोगों के मैसेज सुनती हूँ ना, मुझे बड़ा ही मजा आता है कसम से। मुझे ये लगता है कि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिंदगी में आपने कभी ना कभी तो जवाब देना है, कभी ना कभी तो हिसाब देना है, तो हिसाब तो क्यों ना इन्हीं को जवाब दे दूं। कल को भी तो जवाब देने, जो इतने सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं इन्हीं को जवाब दे देती हूँ, कोई मसला नहीं। पूछो होर सवाल पूछो, मैं तुम्हें होर ज्यादा जवाब देंगी, डोंट वरी। सो जिन लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, छाइयों का मसला है, डबल टोन स्किन है, ये सारी क्रीम्स हैं। पहले आपने प्रेपेंट प्लम यूज करनी है, फिर आपने व्हाइटनिंग एंड फ्रेकल यूज करनी है, और फिर आपने पिंक एंड सॉफ्ट एंड नाइट एंड ब्राइट। डी लेट आंखें बंद करके मेरे कहने पर बाय कर लें। लव टू योर डॉटर सईदा मुस्कान, जीनिया खान, अब्दुल सलोंगी, नेहा मानो बिल्ली, और ये 3-4 तो हो गए हैं। आगे बताएं, एंड में बताएं, एंड में बाकी सारे बता दें, ठीक है। अब मैं जल्दी से मालिस का सेटिंग पाउडर यूज कर लूं। जिन लोगों ने अभी तक मालिस का सेटिंग पाउडर यूज नहीं किया है, आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों यूज नहीं किया या क्यों बाय नहीं किया। दिस इज फॉर 2000 रुपीज, 20% ऑफ के बाद आई थिंक 1800 का या इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी पी लूं, जरा मेरा गला खुश्क हो गया। थैंक यू। विनिश ब्रांड में दिखाती हूं मालिश ब्यूटी का ये सेटिंग पाउडर बेस्ट है। वो लोग नहीं होते जिनकी बहुत ज्यादा स्किन अजीब सी हो जाती है, दिस इज वेरी स्मूदिंग। लाइक इसका जो स्मूदनेस है ना इस सेटिंग स्प्रे की, वो बहुत अमेजिंग है।
मैं भी अभी ज्वाइन किया है, शेयरिंग करूं तो गिफ्ट मिलेगा, शेयरिंग पे मिल जाएगा। यू सी द सेटिंग पाउडर, और ये वाला सेटिंग पाउडर जो है थोड़ा ब्राइटनिंग भी है। आपने क्या करना है, अपनी बेस लगा के आपने ये सेटिंग पाउडर यूज करना है। और ये आप मेरे कहने पे ये वाला भी खरीद ले, मालिश ब्यूटी का है, वैसे ही 2000 का है, मगर ये ऑफ के अंदर मुझे नहीं पता इस वक्त कितने का हुआ हुआ है, पर इट्स अ वेरी वेरी नाइस सेटिंग पाउडर। थैंक यू जी। जो आपके ब्राउन तिल हैं वो आप लोगों ने फजूल वाली व्हाइटनिंग क्रीम्स लगा लगा के अपनी स्किन को खराब किया हुआ है, वो आपके ठीक हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से सही वाली चीजें यूज करें। तीनों की प्राइस नहीं, चार क्रीम्स हैं, चारों के प्राइस इस वक्त 3000 हुए हैं, वैसे तो इनके प्राइस 3500 है, मगर अभी 3 दिन की डील चल रही है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूं, थोड़ा अंडर आई का अपना सेट करके जो मैंने पैलेट यूज की थी ये वाली है पीलो इसकी, और इसका नाम है जी, ना नहीं मैंने पता, अलबत्त ये पीलो इसकी पैलेट है ये मुझे पता है। अंडर आई पे जब भी आप व्हाइट पेंसिल लगाते हैं उसके नीचे कोई कलर जरूर लगाया करें। थोड़ा अपने बारे में बताएं, फर्स्ट टाइम ओपन योर पेज। सो आई एम आयशा साइन फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई एम अ मदर ऑफ 3 kids अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ राइटर पोएट, और मेरी बुक इंशाल्लाह बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है, और मैं स्पिरिचुअल लिखती हूँ सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला के बारे में। सॉरी मेरे मेकअप की फिनिशिंग चल रही है तो आप लोग आपस में सवाल जवाब करते रहें, मैं अपने मेकअप को फिनिश कर लूं, एंड में मैं 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए दूंगी, मेकअप मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं फिर एंड में 10 मिनट दूंगी क्वेश्चन आंसर्स को। सो इस वजह से अगर मैं किसी को जवाब नहीं दे रही हूं तो कोई मसला नहीं है, मैं एंड में दूंगी जवाब, सारे जवाब तुहानू पूरे पूरे देंगी, सारे मैंने बड़े चंगे फिट जवाब देने आने। अब ये हो गया, इसको मैं थोड़ा ब्लेंड भी कर रही हूं, और अब मैं अपने फेस को क्लीन करूंगी, और अब इस पर मैं एक मैजिक पाउडर लगाऊंगी। नीलम वकास को भी विनर कर दें जी, नीलम वकास इज हेयर, सायमा जी नीलम वकास को भी विनर कर दें, उसे 250 ग्रुप्स में शेयर किया, इट्स अ लॉट लॉट्स ऑफ यू नो शेयरिंग। अब मैं ये वाला पाउडर जैसे जैसे उतारती जाऊंगी ना, वैसे वैसे मैं ग्लो पाउडर लगाती जाऊंगी। ग्लो पाउडर इज 2500, बट इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है ना, अभी मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाती हूं, ये मैं उतार रही हूं, जो मेरा ट्रांसलूसेंट पाउडर था उसको मैंने उतार दिया, और ग्लो पाउडर मैं अभी आपके सामने में लगाऊंगी, वेट करें, ये मैंने उतार दिया, आपको नजर आ रहा है, ये मैंने ग्लो पाउडर पिक किया, और ये देखें इससे आपकी स्किन एकदम से ना ट्रांसपेरेंट हो जाती है, एंड दिस इज बेस्ट वो जो लोग हैं जिनकी स्किन बिल्कुल डल हो जाती है बेस के बाद और ग्लो नहीं करती, दिस इज फॉर 2500, 20% ऑफ में आपको बड़े अच्छे प्राइस मिल जाएगा। मेरी जान नीचे नंबर आ रहा है तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि आप मेरे से कांटेक्ट कैसे कर सकती हैं, मुझे इनबॉक्स कर दें या मुझे मैसेज कर दें। आई लाइक यू, थैंक यू सो मच, दिस इज द ग्लो पाउडर, यू कैन ऑर्डर। मकबूल अहमद, अब तुसी अपनी मां को भी जवाब लोगे ना, तो उन्होंने भी तुहानू जवाब देने आंदे, जिन्हें तुहानू पैदा किया है ना उन्होंने कोई गलती हो गई सी, मजबूरी स्टाडे जे डैश गैरत लोग साड़ी कौम च पैदा हो गए। अगर तुसी सारे इंसान दे पुत्र पैदा होंदे ना, अगर वाकई कोई इंसान दे जड़े हुए पैदा होंदे ना तुसी सारे आले सारे, ते आज साड़ी कौम दियां औरतां नूं बाहर जांदे हुए डर ना लगदा, ए ताडे जे ही लोग हैं जिन्हां दी वजह तों साड़ियां औरतां डरदियां फिरदियां, और कुछ सोचना भी ना कि मेरे जे बंदे नूं ताडे जे लोग डरा लेणगे, ताडियां ताडे मैसेज डरा लेणगे, मैनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, बहुत चंगी तरीके नाल मैनूं तुहानूं सारिआं नूं जवाब देणे आंदे,
ठीक है। सब तो पहली गल है कि तानू खुद नहीं पता कि ताड़ियां मावां पैणा ते तियां ताड़े अपने घर दे विच की कर रही हैं, वो किन्ने किन्ने मुंडियां नाल गल कर रही हैं, केड़ी केड़ी जगह ते टिकटॉक बना रही हैं, केड़ी केड़ी वीडियोस बना रही हैं, वो तानू नहीं पता। मगर दूसरियां दियां बीवियां ते मावां पैणा नू आके तुसीं लाजमी कॉमेंट करना है। फर्ज मैनू सिर्फ यह लगता है, मैनू सिर्फ यह लगता है कि अगर साडे कौम दे मर्द अज भी गैरत दा थोड़ा जिहा मवाद, थोड़ा जिहा खमीर इन्हां दे अंदर गैरत दा पा दित्ता जाए ना, तो मेरा ख्याल है साडी कौम दे उत्ते बड़ी बड़ा करम हो सकता है। मगर तुसी अपने आप नूं मुसलमान कहंदे हो, तुसी बह के लोगों नूं फतवे लांदे हो, बिल्कुल जी, कदी कमरे च बैठ के अपने उत्ते गौर करना कि ताडे जिहे मर्दां दी वजह तो साडियां औरतां कितनी 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 प्रॉब्लम दे विच हन, कि काश मावां जिहड़ियां ताडी तरबीयत थोड़ी जी बेहतर कर देंदियां ते कितना मजा आंदा। मगर अफसोस कि हुण तुसी पैदा हो चुके हो गए हो, तो तुहानू सारी जिंदगी और अगों तुसी अपनी औलाद नूं भी इसे तरह ही बनाना जो जो तुसी खुद हो। क्या चाहिए? अच्छा बच्चे मेरा बैग दे। लव यू मम्मा। अम्मी मेरे मैसेज देख रही जे। और आफरीन है ऐसी माओ के ऊपर कि जो अपने बेटों को ऐसी जुबान बोलते हुए देखती हैं, वो देखती हैं कि वो लोगों को कमेंट कर रहे हैं। साइड पे हो जाओ, दे देती हूँ, उधर हो जाओ ना। और हाँ बस मैं दे नहीं देंगी गिफ्ट सुमेरा, अगर आप ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगी तो आपको गिफ्ट मिलेगा, अगर आप शेयर नहीं करेंगी तो सॉरी गिफ्ट नहीं मिल सकता। कोई मसला नहीं मेरी जान, मैं ऐसो को असर दिलवाना भी नहीं चाहती हूँ, ऐसे लोगों को असर होता भी नहीं है, मगर मैं सिर्फ उन माओं को गैरत दिलवाना चाहती हूँ, वो माएं के जो कम से कम अपने बेटों की तरबियत अच्छी कर लें, क्योंकि इन्हीं मर्दों ने आगे से अपनी बीवियों के साथ भी यही सलूक करने हैं। ठीक है, आप देख लें आपके सामने हैं इस कौम के मर्द, नजर आ रहे होंगे आपको, देख लें ये यहां हम सेफ हैं, हमारी बाएं बहनें सेफ हैं, हम लोगों के ऊपर फतवे लगाते हैं तो ये सारे मुसलमान ही ना, नाम पढ़े ना, क्या क्या नाम है, मुसलमानों के नाम ही है ना, ये औरतें मुसलमान ही है ना जो एक दूसरे के ऊपर फतवे लगा रही होती हैं, औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है, मैं तो हमेशा से ये एक ही बात करती हूँ। जी ग्लो पाउडर इज 2000 आफ्टर ऑफ, औरतें ही औरतों की सबसे बड़ी दुश्मन है जी आजकल, आप लोग कहां कौन से जहान में बैठे हुए हैं ये आप लोग समझ जाएं। मर्द तो फिर माशाल्लाह वो तो आज का क्रॉस कर गया है ना सारी लिमिट्स। लव यू। ब्लशन का सीक्रेट बाद में बताऊंगी, ब्लशन मैं अभी बता नहीं सकती। आपकी आवाज में, औरत की आवाज में इतनी गरज होनी चाहिए है कि जो मर्द है वो एक दफा हिल जाए, डर जाए, इतनी गरज। मुझे ये समझ नहीं आती, वो मुझे मिस्ड कॉल आ गई थी तो मैंने तो वैसे ही बात कर ली। भाई मिस्ड कॉल आ गई सी तो किसी ने तेरे ना जबरदस्ती तो नहीं किया ना कि तुसी लाजमी गल करनी है या तुसी उदा पैकेज मुकाना है। अगर मिस्ड कॉल आ गई है तो अगों बेइज्जती करो उदी, है उदी बेइज्जती कर जी, तू मैंने फोन किता क्यों है। ऐसी गरजदार आवाज होनी चाहिए आपकी, ऐसी गरज होनी चाहिए आपकी आवाज के अंदर कि एक दफा हिल जाए। औरत जो होती है उसको सब कुछ पता होता है, कोई बंदा कहां से मैसेज कर रहा है, कोई बंदा कहां से बोल रहा है, वो आपको किस नजर से देख रहा है, औरत को सब कुछ पता होता है। ये अलग बात है कि आप चूचू मुमू बन जाती हैं और आपको कहती हैं हमें तो पता भी नहीं था, हमें तो नहीं पता था इसने हमारे साथ ये कैसे कर लिया। सब कुछ पता होता है आप लोगों को, एवरीथिंग यू नो बेटर। आप लोग जान बूझ के ऐसी हरकतें करती हैं, ये आप लोगों को पता है।
अब मैं महलीज ब्यूटी का ब्लश टॉपर लगा रही हूँ जो कि बहुत बहुत अमेजिंग है और बहुत हमारा हॉट सेलिंग है। तो अभी ये सारा सेल हो गया हुआ है, इस पे भी 20% ऑफ लगा हुआ है। टू मच शेयर उस्मान मुगल, देख लें जरा साइमा जी कितना शेयर किया इन्होंने। ये अपनी माँ के साथ भी ऐसे सलूक करते होंगे, करने देती होंगी शायद। और अपने बेटों की तरबियत ऐसे करें, ऐसी उनकी तरबियत करें कि एक दफा मजा आ जाए। तो ये होपफुल है जो मैं लगा रही हूं, महलीज ब्यूटी का होपफुल। ये जो आपको मेरी चीक्स पे एक शाइन नजर आ रही है ना, दिस इज होपफुल। और ये थोड़ी डायमेंशन भी देता है, लेकिन मैं थोड़ा टिल्ट करूंगी ना तो बटेगा क्या बताऊं। इधर मेरी लाइट भी ऑन करनी है, इसका स्विच देखो लगा हुआ है बच्चे वहां पे, देखो सारे वो ऑन है स्विचेस, तो ये लाइट क्यों नहीं ऑन। उधर इधर से आके सेनोरिटा जरा नीचे इधर से घुस जाओ, देखो जरा सारे स्विचेस लगे, मैं इसका नहीं लगा हुआ। आपको आप लड़कों को इग्नोर करें बिल्कुल भी नहीं मेरी जान, ये हमारे ही कौम के मर्द हैं, इग्नोर करें। हम लोग हमेशा इनको इग्नोर करते रहेंगे, पूरी जिंदगी हम इनको इग्नोर करते रहेंगे, ऐसे नहीं हो सकता ना। जी साइमा मुझे प्लीज बता दें, साइमा जी आपने मुझे क्या मैसेज किया है, मुझे एक टिश्यू चाहिए। आई लव उर्वा खान, साइमा जी उर्वा खान विनर हैं। उर्वा हाँ ओके ओके उर्वा, अरे मुझे आपका मेकअप बहुत पसंद है, हो गया हाँ ठीक है हो गया। हाँ अभी और ज्यादा मेकअप नजर आ रहा होगा, कैसा लग रहा है, नजर आ रहा है ना। फराह कमर, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो ही जीतेगा। और साइमा जी को पता है, आप लोग साइमा जी को इनबॉक्स कर दें, मैं जितने ये बता देंगे मैं उतने लोगों को तो नाम यहाँ पे ले दूंगी, बाकी साइमा जी ने बताना है। मैं लिप पे ब्यूटी ब्लेंड लगा, एंड में 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के होंगे, सो डोंट वरी। मैं जल्दी से लिपस्टिक लगा लूं, मेरी खानदानी ब्राउन पेंसिल। सारी मर्दों के शाम का लेक्चर देती हैं और यहाँ मेकअप थोप के आ गई हैं, तो मेरी जान के रोटे तुसी फेसबुक उत्ते की करण आए हो, जरा मैनू दसना प्लीज। आप सिर्फ यहाँ पे चुगलियां करने और लोगों की बातें सुनने और देखने के लिए आए हुए हैं, मैं तो किसी को इस्लाम का लेक्चर नहीं देती, मैं तो कोई इस्लाम की बात ही नहीं कर रही हूं। मैं तो सिर्फ ये बता रही हूं कि एक नॉर्मल कैसा होना चाहिए है। और हाँ जी मैं ये बता दूं कि जितनी बहुएं सॉरी जिनको मेरी बात बुरी लगे, मेरी वीडियो बिल्कुल छोड़ के चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी बहुएं अपनी आयशा ज्वेलरी सिग्नेचर होती है, सेम ज्वेलरी, जी मेरे जैसी ज्वेलरी सेम नहीं मिल सकती है, मेरी ज्वेलरी सिग्नेचर होती है, उसका एक एक पीस होता है, तो जिनको मेरे जैसी ज्वेलरी चाहिए है वो सॉरी वो नहीं मिल सकेंगे। अब आप लोग खुद मैसेज पढ़ रहे हैं जिस तरह के आ रहे हैं, मुझे भी कुछ दे दें यार, कोई खुदा दा कोई खौफ कर लो। उर्वा लव यू, गुड वर्क। मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग जीत रहे हैं, जो लड़कियां जीत रही हैं मुझे बल्कि खुशी हो रही है। मैं इधर मेकअप की बास्केट लेकर आए, इधर आए मैं बताती हूँ आपको। ये वाली, ये सिल्वर कलर की पड़ी हुई है, आगे आगे जाएं और आगे जाएं और आगे जाएं, हाँ ये नीचे वाली, हाँ ये वाली ले उठाई जाएगी। टू मच शेयरिंग, ओके आई एम ब्लॉकिंग कैरी ऑन, ओके प्लीज पैक, अल्लाह पाक और दे दो। हाँ जी, सो हियर आर माय, एक बास्केट है मेरी ये वाली मेकअप कलेक्शन में से एक है ये वाला, फिर मेरे को ग्लॉस दिया ये। थक तो नहीं गए बच्चे, दो मिनट दे दो मुझे और। मुझे ये वाला लगाना है और इसके साथ ये वाला लगाना है, थैंक यू बस रखो। हाँ मैं काइली की लगा रही हूँ जी, स्मॉल वंडर।
कॉन्टेक्ट डाल दिया है, साइन है, पिन कर दिया। बच्चे ये वापस रखो उसमें। मुझे कलर चाहिए है जो कि मुझको मिल नहीं रहा है, बट मुझको वही कलर चाहिए है। एक मिनट वेट करने आप लोग सारे कि सारे हाँ मिल गया। तो कसम से लिप फिलर कराए थे, हुए ही नहीं। मेरी जान लगवाए थे, नहीं लगे। मैं इसके साथ रेड लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी। दुपट्टा हम लेते हैं सर के ऊपर। मैं कौन सी बात करी थी मुझे जल्दी से बता दें। आप डील 8 यूज करें, इट्स वेरी वेरी गुड सेटिंग स्प्रे। ये वाला है ना, एक सेकेंड वेट करें, मैं बताती हूं। मेरी एज की होगी तुसी, मैंने एडमिशन लेना स्कूल दे विच हैं। अगर ज्यादा होगी तो एडमिशन नहीं मिलेगा। हैरानगी होती मुझे पाकिस्तानी कौम की मेंटालिटी के ऊपर। ये खोलो बच्चा, मालिश ब्यूटी के हाइलाइटर्स हैं जिन्होंने ब्लिंग ब्लिंग करना है। साइमा जी, अब मैं आपसे पूछने वाली हूं विनर्स के नाम, तो आप अब टाइप करें। मैं ये हाइलाइटर बस लगा लूं, उस पर आप टाइप कर दें। सो मालिश ब्यूटी का पीच क्रश, आई डोंट नो ये इन स्टॉक में है कि नहीं है। इसके साथ में एक और लगा रही हूं, वो बहुत प्यारा है, वो है जी फेरी लाइट्स। उससे तो सही में ही ना जो है ना सही बहुत है। अच्छा खोले मेरी जान, ये वाला यहां से। थैंक यू, स्टे इन योर लिमिट्स। साइमा जी छोड़ दे इनको, जो जैसा होता है उसको वैसे ही कर रहा होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करने दे, करने दो, करने दो। थैंक यू। अच्छा जी, जो मैं अभी लगा रही हूं हाइलाइटर, इट्स फेरी लाइट्स। पहले वाला बंद है। हाँ जी, मेरी मर्जी, मैं इन्ना मेकअप करा या उन्ना मेकअप करा, दिल का आ रहा है। मैं लाहौर लाहौर से हूं। 1465, थोड़ी ऑरेंज लगाऊं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है वाली। थोड़ी सी ऑरेंज इसमें ऐड करती हूँ, थोड़ा ऑरेंज कलर है। ऑरेंज हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, अब जल्दी से हम ये पकड़े। एक तिल तो मस्त है, वो तो मैं लगाऊंगी, बाकी की खैर है। हाँ ये एक तिल तो मस्त है, बाकियों की खैर है। इस बार मैं मेकअप इंशाल्लाह आज वसना फिर दोबारा मेकअप करती हूँ। चलें जी जल्दी से। साइमा जी, अब आप विनर्स के नाम लिख लें। आप तो दुल्हन लग रही हैं, थैंक यू। फेस पे कंट्रोल करना सिखा दे, मैंने सिखा तो दिए उस पे।
ये अच्छा लग रहा है, थैंक यू। बाजी बस कर दो, मेरे लिए भी छोड़ देना, ये उसी लिपस्टिक में रख दो। पुत्रो तानू की कहां, ताड़िया कसूर नहीं है, ताड़े खानदान का, ताड़े माँ प्यो का कसूर है जिन्हें ताड़ी यह तबीयत, कितनी ताड़ा कसूर नहीं है, मैं तानू कुछ कह नहीं सकती। बहू वाली बात बता दे, ओके जी, आ जाएंगी सारी सासें और बहू जिन्होंने मुझे छोड़ के जाना है और आज मुझे जो है अनफॉलो करना है। कोई भी बहू को जबरदस्ती कोई सास अपने साथ नहीं रह सकती, ये इस्लाम के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है और ना ही दीन का हिस्सा है। आप लोग बिल्कुल अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती हैं कि आप लोगों को वो अगला घर लेके दें, और अगर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो किराए पर लेकर दें, और अगर वो लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लोग किराए पर घर ले लें, और ये उनका फर्ज है। इवन के इस्लाम के अंदर ये चीज जो है वो बताई गई है कि आप लोग बिल्कुल भी एक फैमिली में नहीं रह सकते हैं, आप लोगों को एक दूसरे के साथ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और जो लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो भाई आप अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते हैं तो सो सॉरी कि आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि यही जो है वो आपके इस्लाम का एक पार्ट है। और जब हम इस्लाम को फॉलो करते हैं तो उसको पूरी तरीके से फॉलो करना सीखें। और जो माएं अपने बच्चों के बारे में इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, बड़ी मेहरबानी, बच्चा ने जान छाड़ दी, उन्होंने शादियां हो गई, उन्होंने ये जिंदगी अजाब करके तुम रखे हुआ है, तुम्हें की मिलेगा उन्हें दिया जिंदगी बर्बाद करके, ठीक है। हर वेले जी पुत्रां दी जान, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र, बस कर दो, बस कर दो, हौला हौला हाथ हौला रखो, तानू साह नहीं आ रहा हुंदा है, ताडे पुत्र की कर रहे हुंदे, जितने जितने हसीन औलादे आप लोगों ने दी है ना अपनी इस कौम को माशाल्लाह, जैसी जैसी तरबियतें करके दी है, बेटा खराब हो जाए कोई मसला नहीं इसकी शादी कर दो, बेटा ये हो जाए कोई बात नहीं इसकी शादी कर दो, बेटा पागल पैदा हो गया कोई बात नहीं इसकी शादी कर दो। क्यों, अगलियां जो हैं जिन्होंने पैदा की हुई हैं और जो आपको अपनी बेटियां दे रहे हैं, उन्होंने क्या वैसे ही पैदा कर ली थी और उन्होंने वो गिफ्ट के तौर पर आपको दे रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आप लोग कौन है? आप लोगों के बेटे जो है वो आसमान से टपके हुए हैं, कोई उनके कोई स्पेशल है उसके अंदर, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो शादी ना करें? बिल्कुल सऊदी अरेबिया में वो लोग नहीं करने देते, बहुत सारे लोग कमारे बैठे हुए शादियां नहीं कर रहे हैं अगर घर अलग नहीं। अस्सलाम वालेकुम जानू, थैंक यू दिलू, थैंक यू, लव यू मेरी जान, आई लव यू सो मच मोर देन एवरी वन इन दिस वर्ल्ड। ये अदील के बाद थोड़ा सा साइन बताए जरा। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर शादियां ना करो, शादियां उदो ही करो जो घर अफोर्ड कर सकते हो। कोई अच्छा सा मस्कारा बता दें, मस्कारा अच्छा सा बता दें, मुझे जो है वो बहुत पसंद है उसका, बैड गर्ल का, बेनिफिट का बैड गर्ल। नहीं, मेरे फादर ने तो शादी में पहले ही घर अलग कर दिए थे, मैंने तो अपने बेटों के ऑलरेडी अलग कर दिए मैं घर, और इनशाला इनशाला मैंने तो अपनी बहू को जब लेकर आना है तो उसको उसके घर में ही लेकर आना है, वो मेरे घर में जब मर्जी आए ऑब्वियसली अलग करना है भाई, क्यों ना करें, उनकी जिंदगी है, उन्होंने जीनी है, उन्होंने हमारे लिए थोड़ी जीनी है, उनकी अपनी लाइफ है, बिल्कुल करूंगी अलग, आप लोगों के सामने होंगी देख लीजिएगा। ये बात एक छोटी सी वीडियो बना के कर दें, मैंने हर वीडियो में बहुत सारी वीडियो में ये बात बता दी हुई है और ये बात आप लोगों के ऊपर लाजमी है। जो जेंट्स भी मेरी वीडियो छुप छुप के देख रहे हैं, अपनी बीवियों को अपने घर के अलग करने का इंतजाम करें, ये आपके ऊपर लाजिम है। आपकी जो बीवियां वो आपकी माँ की बिल्कुल भी मुलाजमे नहीं है, जितनी इज्जत आपने अपनी माँ की करवानी है उनकी आपकी बीवियों की माओ की भी इज्जत आपके ऊपर फर्ज है कि आप सेम उतनी इज्जत आपने करनी है कि जितनी इज्जत आपने अपनी माँ की करनी है उतनी इज्जत आपकी बीवी की माँ की भी आपने करनी है। और यहाँ पे जो है वो बीवी की माँ की कोई इज्जत नहीं होती है, और जो है वो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच। अपने बेटे को जरूर, और इस्लाम की बात है, इस्लाम में औरत को इस तरह नहीं, मैं अपने बेटे को क्यों छोड़ूंगी या मुझे क्यों छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा वो तो, बल्कि मेरे और करीब हो जाएगा। जाहिरी बात है बेटे अपने कमरे में, मेरा बेटा अभी भी अपने कमरे में सोता है ना, वो कोई मेरे कमरे में तो नहीं सोता, तो जाहिर सी बात है वो अपने घर होगा, जब उसका दिल चाहेगा वो मुझे आके मिलेगा, कोई बात नहीं, साथ वाला घर ले दें, साथ वाला पोर्शन ले दें, उसके साथ वाला घर ले दें, दूसरी वाली गली में घर ले दें, मगर आपकी बहू का बिल्कुल भी फर्ज नहीं कि वो आपको चाय दवाइयां और आपकी ये सारी चीजें करें, इसके लिए आप कोई मेड रख लें, आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आप कोई मेड रख लेना, आपने आपको आप उसको पे थोड़ी कर रहे हैं ये सब काम करने के लिए, तो आप कोई पेड रख लेना, अगर आपको मुलाजमा चाहिए तो व्हाई यू वांट योर बहू टू डू ऑल दिस,
आपको जरूरत नहीं है, आप मुलाजमा रखें, वो आपके ये सारे काम करें जो बहुओं से कराते हैं, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इससे सवाब मिलेगा अजीब कौम को। एनी फाउंडेशन फॉर ड्राई स्किन, जी ड्राई स्किन के लिए मालिश ब्यूटी की नूर फाउंडेशन इज द बेस्ट। आप इतनी अच्छी बातें करती हैं आयशा जी, लेंजेस का बता दें, लेंजेस की एडवर्टीजमेंट कर दें। कौन से लेंजेस की एडवर्टीजमेंट करूं? सब ऐसे नहीं सोचते, नहीं ऐसे एक्सक्यूज मी, ऐसा सोचना ही है। हम एक मुसलमान कौम है तो ये तो हमारे उसके अंदर है। और अगर हाँ, अगर इतना ही मसला पड़ गया है तो आप उनको पोर्शन अलग कर दें, ठीक है। और आप उनकी किसी बात में नहीं बोल सकते, हाय इन्हें अज की पाया है, हाय यदि कपड़े देखे, हाय यदि जुबान कितने। भाई आप कौन होते हैं? आप अपनी बेटियों की जुबानें देखें, आपकी बेटियों की जुबानें कितनी लंबी है। आपका काम ही नहीं बनता आप उनको कहें कि जी वो क्या करे क्या नहीं करे। ये आपके बेटे का काम है कि वो अपनी बीवी से कैसे बात करता है। और जी बिल्कुल, जितनी रिस्पेक्ट एक औरत एक मर्द को देगा उतना ही एक मर्द के ऊपर भी जायज है कि वो अपनी बीवी को भी उतनी रिस्पेक्ट दे जितनी बीवी मर्द को दे रही है, उतनी रिस्पेक्ट मर्द को भी है कि वो औरत को दे। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको अपने हकूक के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इस्लामी हैं और अगर आप मुसलमान हैं तो आपको अपने हकों के बारे में पता होना चाहिए। ये कोई इंडियन कोई ये तो आप इंडियन कल्चर की बात करें ना कि बहू का तो फर्ज है कि वो माँ बाप के साथ रहे। कोई जन्नतें आपने नहीं कमा लेनी है इन लोगों की खिदमतें कर करके, एंड में फिर भी छितर ही पड़ने हैं। सो इसलिए आज से ही डिमांड शुरू कर दें। बेशक मुझे गालियां ना निकलवाएगा, ना ही मुझे वो करवाएगा, मगर सो नूर फाउंडेशन की प्राइस क्या है? 2150 अभी डिस्काउंट लगा हुआ है। तो 10 मिनट्स हैं क्वेश्चन आंसर्स के, जल्दी जल्दी कर लें। डील 8 जो है वो क्या है? मालिश ब्यूटी की जो क्रीम्स हैं वो क्या हैं? तो दिस इज डील 8 और मालिश ब्यूटी की ये क्रीम्स हैं जिससे आपकी छाइयां, डार्क सर्कल्स, आपके जो पिगमेंटेशन स्किन है वो सारी की सारी जो है वो ठीक हो जाती हैं। अभी मैं रिप्लाई कर रही हूं, जी 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 जी। ओपन पोर्स क्लोज करने के लिए कुछ बता दें, मालिश ब्यूटी की प्रेपेंटा। अच्छा साइमा जी, जल्दी से नाम बता दें, कितने लोग जीत गए हैं? आप कितने मेकअप, आप ही लोगों को क्या क्या है आपने? एक सेकेंड, सादिया रजा, मेरी मर्जी, योर ब्रांड नेम? मेरे ब्रांड का नाम है मालिश ब्यूटी। राइट, आपसे मिलना है प्लीज विद इंडिया, इंशाल्लाह मैं जब भी इंडिया आऊंगी आपसे जरूर मिलूंगी। एनी टोनर नेम प्लीज? पिक्सी का ग्लो टोनर मुझे पसंद है बट मैं अपना लॉन्च करने का सोच रही हूँ जल्दी। मेरा भी बता दें जी। सादिया रिजवान, क्या आपने कहा है मुझे बताएं? जन्नत परी, साइमा जी ने कहा है। अच्छा अब मैं नाम बता दूं जल्दी से जो लोग जीते हैं। सो हेयर आर द नेम्स, एक सेकेंड। सईदा मुस्कान, जीनिया खान, अब्दुल स्लिंगिंग, मानो बिल्ली, उर्वा खान, महक खान, शहला मेटाबॉलिज्म, हिरा सोमरू, खतीजा पैलेस, ये सारी लड़कियां जो हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग जीते हैं। ये सारी लड़कियां जो हैं वो साइमा जी को इनबॉक्स कर दें अपने एड्रेसेस, साइमा सईद कुरेशी के नाम से इनको इनबॉक्स कर दें अपने एड्रेसेस, साइमा जी मुझे भेज देंगे आपके पूरे एड्रेस के साथ और आपको आपके गिफ्ट्स मिल जाएंगे। जो लोग गिव अवे में जीते हैं मैंने ये नाम बता दिए हैं, सईदा मुस्कान, जीनिया खान, अब्दुल स्लिंगिंग, मानो बिल्ली, उर्वा खान, महक खान, सहला मेटाबॉलिज्म, हिरा सोमरू, खतीजा पैलेस। और कोई होगा तो साइमा जी मुझे बता देंगे। नहीं कोई फर्ज नहीं है सास की खिदमत करें, लेकिन दुनिया में इंसानियत की कोई चीज होती है? आय हाय 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 हाय, इसका जवाब मुझे देने दे जरा एक सेकेंड, इंसानियत वाला। हाँ जी, सास की खिदमत करें, इंसानियत भी कोई चीज होती है। तो आप मेड रख लें ना, आपको बहू से ही इंसानियत क्यों चाहिए? आप मेड रख लें, उसे 10-15 हजार रुपए दें, वो आपकी खिदमत करेगी, जितनी टीसियां कहेंगी वो भी करेगी, जो जो कहेंगी वो करेगी। तो आपको मेड रख लेना यार, बहू आपको, बहू की इज्जत क्या होती है पढ़ लें। आप अगर पूरे इस्लाम को छांट मारेंगे तो उसमें कभी भी कोई आपको ज्वाइंट फैमिली वाला नहीं मिलेगा, कभी के कोई ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहा हुआ, खुदा दा वास्ता मनो, ठीक है। अगे पिछे तो नमाजा पढ़ पढ़ के तुम कहने इनू को सिखा दो, इनू को सिखा दो, खुद पहले खुद आप कुछ सीख लो, मेहरबानी डैडी। और प्लीज अपने बच्चों की जान छोड़ दो, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उन्होंने जान छाड़ दो, उन्होंने जिंदगी सह लैन दो पुत्रा अपने। अल्लाह की का इंसान ही इंसान नहीं है आजकल तो, इंसानियत बहुत दूर की बात है।
बहुओं से इज्जत करवाना सीखें। अगर वो अपने घर में रहेंगी, वो जब भी आपके घर में आएंगी, वो आके आपकी रिस्पेक्ट करेंगी। थैंक यू। सो ये 4 क्रीम्स हैं डील 8 जो कि अभी 3000 की हुई हुई है। सो ये आप लोग विन कर सकते हैं। पूरे इस्लाम में तो मुंह का पर्दा भी है जी अरूज, इसीलिए तो आप फेसबुक के आई हुई हैं। फेसबुक के ऊपर आके मैसेज करना आपका इस्लाम का अवलीन फर्ज है। सो इस वजह से पहले आप जाके जो है ना वो सीख लें। लव यू दीलू, क्योंकि मेरी जो मदर हैं शी इज हेयर, वो मेरी अभी लाइव वीडियो भी देख रही हैं। मेरे फादर जो है माशाल्लाह, उन्होंने शादियों से पहले ही अपने बेटों के जो घर हैं वो अलग अलग कर दिए थे, और सारी बहुएं माशाल्लाह अपने अपने घर में अभी भी रहती हैं, पहले भी रहती थीं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब भी मेरी वालदा के घर आती हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत इज्जत करती हैं। बट आप लोगों को खराब कर रही हैं जी, मैं लोगों को खराब कर रही हैं भी बिल्कुल। अगर एज ना हो तो अपनी हैसियत के मुताबिक आप लोग एक कमरा किराए पे ले सकते हैं, पोर्शन किराए पे ले सकते हैं, घरों के अंदर दीवारें डलवा सकते हैं, मगर जिंदगी को बर्बाद करने से बहुत बेहतर है कि आप लोग जो हैं वो घर अलग कर लें। मैम हाँ, बेटे बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा फर्ज है खिदमत, और वो बहुत बड़ी चीज है, वो करे जितनी भी उसने करनी है। माँ की इज्जत तो भाई उसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, माँ की इज्जत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो आपने करना है। मगर जो जो आपने अपनी बहुओं को मुलाजमा बनाया हुआ ना, वो नहीं आप कर सकते, वो आप उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। सो ये तो बड़ा मसला बन जाना है, हिसाब देना पड़ना है। थैंक यू सहमत जी, मुझे स्क्रीन शॉट भेजिएगा। सो इफ्फत शकील को पहले मैं जरा ब्लॉक कर दूं, काफी देर से इफ्फत शकील उछल रही हैं। एक सेकेंड, सही आपने ब्लॉक कर दिया इफ्फत शकील को जी। शोहर मारता पीटता है जी 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 बड़ी फेंटी पैनी जी, तानू बड़ी फेंटी पैनी जी, जेड़े मार देने उन्होंने बड़ी फेंटी पैनी है दंदा हंसते हैं। रियली आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट्स आर ऑसम, थैंक यू। सो जिंदगी में मैंने इस चीज को बहुत साल पहले अंडरस्टैंड कर लिया था कि आप जो तरबियत अपनी औलाद की कर सकते हैं ऐसे माहौल के बगैर, वो आप किसी उस तरह के माहौल में रह के नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने औलाद, जैसे कि आजकल का मुआशरा बन चुका हुआ है, तो फिर ऐसे ही औलाद पैदा होगी। आप लोग खिदमतें करें और लोगों को खुश करें, और फिर ऐसी औलादें निकलेंगी, ऐसी आएंगी, कमेंट्स करेंगी, मारें खाएंगी मारेंगी, क्या कर सकते हैं। सास मानती नहीं कि सेपरेट हो जाएं, जॉब करती हूं। तो आप जॉब करती हैं तो आपके पास पैसे हैं, आप खुद अपने रेंट का घर खरीद लें, कोई मसला नहीं है, मानती क्यों नहीं है। एक सेकेंड लगता है आपको बुरा बुरा एक्सपीरियंस रहा है सादिया रजा। बिल्कुल, मेरा तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात ही नहीं करी मेरी जान, मेरा एक्सपीरियंस की तो बात ही नहीं हो रही है। मैं तो जो अपना एक्सपीरियंस बता रही होती हूँ, मैं तो बड़ा खुल के बताती हूँ, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हमारे मजहब के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। आमीन, थैंक यू। तो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ढेर सारी खुशियां बांटें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मुझे उस पे टिकटॉक पे फॉलो कर लें, आयशा साईं ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और मेरी आईडी को ही आप लाइक कर देंगे, मेरे पेज में अगर आप जाना चाहते हैं वो भी हो गया। लव यू ज़बिंदा, लव यू एवरीवन, और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, चुगलियां कम किया करें, लोगों के गुनाह उससे कम होते हैं आपकी चुगलियों से, तो आप वो आप पे सारे डल रहे होते हैं। तो सबसे मजे की बात यह है कि ये एक ऐसी चीज है कि सबसे मजे की बात यह कि आप जब चुगलियां कर रहे होते हैं तो आप अपने ऊपर ही वो सारे गुनाह डाल रहे होते हैं कि पीछे माँ बाप का बड़ा मैंने आपकी बेटी इतनी वो खिदमत करे। क्यों खिदमत करे भाई,
क्यों आपने बेटी पैदा की है या आपने कोई क्या कहते हैं मुलाजमा पैदा किया, पागल तो नहीं है, क्यों खिदमत करे वो? हाँ अपने हस्बैंड की खिदमत करे, अपने घर का ख्याल करे, उनकी पूरा राइट बनता है, मगर बिल्कुल आपने कोई वो थोड़ी पैदा किए कि वो बगैर पैसे लिए आपके घर वालों की खिदमत करे, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। सास ससुर की खिदमत कहीं है ही नहीं, बात इतनी सी है कि सास ससुर की खिदमत करना कहीं लिखा ही नहीं, किसी किताब में मुझे बता दें कि सास ससुर की खिदमत करना लिखा है, थोड़ी अजीब बात आप लोग कर रहे हैं यार, कहीं नहीं लिखा हुआ है। सो इसी इस बारे में तो मैं आपसे बहस कर ही नहीं सकती हूँ, आप लोग खुद पढ़ लें। कहीं आप अपनी माँ की खिदमत करें, जितनी आप लोगों ने करनी करें, आपको किसने मना किया है? मैं भी हूं, लव यू टू। यस डॉ, मैं भी हूँ, आप तो मैसेज करो, रिप्लाई करती नहीं, मैं बिल्कुल रिप्लाई कर रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। मैं तो सास बढ़ने वाली हैं जी, मैं तो पहले से ही कार अलग कार बढ़ा ले और आपके सामने करूंगी इंशाल्लाह।